सो हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आपका कास्टर कैप्टन मैकलेन करता हूं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत ही एक्साइटिंग गेम प्ले हम लोगों को यहां पे देखने को मिलने वाला है जस्ट लाइक दैट यस्टरडे क्योंकि हम लोगों ने देखा था वहां पे क्वालिफायर सी और क्वालिफायर ग्रुप डी के मैचेस जो हुए थे, बहुत ही ज़्यादा एक्शन पैक और बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो वही जस्ट लाइक दैट आज जो हमारा क्वालिफायर्स है वो क्वालिफायर्स होगा ग्रुप ई और ग्रुप एफ। आज दो मैच चार मैचेस जो ऑलरेडी होने वाले हैं उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत 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 अभिनंदन करता हूं। तो फटाफट से आइए चलते हैं ज़्यादा से फटाफट से रूम में, बाकी बातें करेंगे हम रूम के अंदर और देखेंगे टीम कौन कौन सी वहां पे आती है और टीमों के बारे में भी मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से रूम में, कम ऑन सी यू इन अ रूम। So here we are now in Erangel's custom room. तो सॉरी टू से यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, एक कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। ओके तो लेकिन अब हम लोग आ गए हैं बैक और उसके बाद वहाँ पे हम लोग एक करेंगे कि आप टीम्स के नाम आप लोगों को फटाफट से मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी टीम यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने वाली है, ठीक है। ओके तो आई होप सो मेरी आवाज़ आप लोगों को सबको आ ही रही होगी। तो फटाफट से एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे टीम्स के नाम और कौन कौन सी टीम आज यहाँ पे खेलेगी, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है 5 नंबर के स्लॉट पर MRV और 6 नंबर पर दिखाई देगी यहाँ पर पैनिक XM, 7 पे यहाँ पे दिखाई देने वाली है वॉल्टेक्स XM, 8 पे है यहाँ पे मिकलू, 9 पे है यहाँ पे वन फ्रैगर, 10 पे है यहाँ पे अननोन वॉरियर्स, सॉरी 11 पे हैं यहाँ पे नाइट्स, 12 पे हैं यहाँ पे सिक्किम ई स्पोर्ट्स, 13 पे हैं यहाँ पे छोटी बावली, 14 पे है यहाँ पे VIP रीपर्स, 15 पे है नॉकआउट्स, 16 पे है टेस्ला रिबॉन्स एलियंस, 17 पे है यहाँ पे 1HR साइकिक, 18 पे है ओवर रेटेड, 19 पे है टीम 7, 20 पे है यहाँ पे रॉयल ओवर पावर्ड, 21 पे है यहाँ पे इल्यूजन स्क्वायर्स, 22 पे है यहाँ पे G2A, 23 पे है यहाँ पे प्रिंसी गेमिंग और यहाँ पे 24 पे एवेंजर्स और 25 पे हमें टीम दिखाई देगी X7। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बहुत ही ज़्यादा शानदार टीम्स के नाम भी हैं जो उसी हिसाब से आई थिंक सो जिस टाइप से कल मैचेस हुए थे वही हो गए आज भी। VIP Reaper Gaming, हेलो रीपर ब्रदर वेलकम टू द स्ट्रीम। रस्टी आयुष, हेलो ब्रो हाउ आर यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ रस्टी आयुष, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए।
तो बस टीमें यहाँ पे आनी, बस एक बार शुरू हो जाए उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इसको। और जस्ट लाइक यस्टरडे, अगर ये भी मुझे अब देखना चाहिए कि यहाँ पे भी अगर गेम प्ले और ज़्यादा बेटर मिल जाए हम लोगों को तो और बेटर है, क्योंकि मेन बेसिकली यही एक बात है जो सामने वाली टीम्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलती हैं कि एक दूसरे से बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकालती हैं। और साथ के साथ बी आर लैचिट के अंदर तो आप लोग जानते ही हैं बहुत ही बेहतरीन गेमर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी टीम्स वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आती हैं प्रो लीग्स के अंदर। टी वन स्कीम्स की भी टीम्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाया करती हैं। ओके तो बस अब इसी चीज़ का बस इंतज़ार रह गया है कि कब जहाँ पे मैचेस यहाँ पे शुरू हो जाएं और कब हम लोग जो है फटाफट से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कास्ट करूँ टीम्स को। और देखने में टीम्स को बहुत 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 मज़ा मुझे आने वाला है, क्योंकि यस्टरडे आई रियली एन्जॉय अलॉट क्योंकि वहाँ पे मैंने जो गेम्स वगैरह देखे टीम का वहाँ पे भरपूर एक्शन मैंने देखा, तो मतलब वाओ, मतलब क्या ही बोलूँ अब। आई एम रियली रियली सो एक्साइटेड फॉर टुडे ऑल्सो। तो बस कल की तरह ही आप लोग मुझे थोड़ा सा वैसे ही प्यार दिखाइएगा जैसे आप लोगों ने कल दिखाया था। काफ़ी लोग आए, लाइक भी करा, शेयर भी करा, और उन लोगों ने इन्जॉयमेंट भी वहाँ पे बहुत इन्जॉय करा। स्ट्रीम के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बेहतर गेम प्लेस देखने को मिले, और वो लोग भी आप लोगों ने बहुत सराहा मेरी कास्टिंग को भी, गेम प्लेस को भी, और अपनी फेवरेट टीम्स को भी। तो जस्ट वैसे ही आज भी मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि वही एक अच्छा जोश हम लोगों को देंगे जिससे हम लोगों को और ज़्यादा बूस्ट मिले इसको और इन्हेंस करने के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा मैं और ज़्यादा बेटर आपको कास्टिंग अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश आप लोगों के करूँगा। और कुछ भी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके डाल के बताइएगा कि अगर कोई चीज़ अगर आपको लगती है ताकि उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी कास्टिंग में थोड़ी सी अगर कमी लगती है आप ज़रूर मुझे बताएं। एज अ मोटिवेशनल मैं उसको ज़रूर लूँगा और उसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करके और उसको और अपनी कास्टिंग को और बेटर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 वहाँ पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो जो नए हैं मेरे चैनल पे अगर उन्हें थोड़ा सा भी लगता है कि आई रियली डिज़र्व योर लव तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।
तो ऑलमोस्ट 35 टीम्स यहाँ, सॉरी प्लेयर्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़े प्लेयर्स आने अभी और बाकी रह गए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अभी तो टाइम है, 5 मिनट है, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और करेक्ट 7 बजे हम लोग उड़ान भरेंगे रेंगल के ऊपर से। तो देखेंगे इस बार के आज के पायलट हमारे कौन है, जो और कौन से फ्लाइट पाथ से लेके सारी टीम को लेके जाते हैं। तो ये देखना थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे लेके आती है। और टीम तो खैर वही ज़्यादा परफॉर्म करती है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और साथ के साथ मोटिवेशन तो खैर मिलता है और भी ज़्यादा अच्छी कास्टिंग करने के लिए। फोर्टी सिक्स प्लेयर्स हमारे साथ यहाँ पे और जुड़ते हुए नज़र आए हैं इस समय। तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा, कि अभी एक एक टूर्नामेंट हमारा और आने वाला है, जो है रैम्पेज कप सीज़न 1, जो बहुत ही अच्छा कोलैब में होने वाला है। वो है आरएनजी और एम्पायर ई स्पोर्ट्स, हमारी कम्युनिटी, तो उनका भी एक आने वाला है। पूल प्राइस यहाँ पे 5000, तो उसमें भी आप लोग चाहें तो एंटर कर सकते हैं। वो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर मिल जाएंगे। साथ के साथ आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी उसके बारे में। और कल में जो है आपका रोड मैप भी आ जाएगा, प्लस स्ट्रीमिंग पार्टनर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो भी आप लोग वॉचआउट कर सकते हैं। और आप लोग की भी टीम है, अच्छी टीम्स है जो खेलना चाहती हैं, आप वहाँ पे जाके DM कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। वहाँ पे GPay नंबर भी वगैरह अवेलेबल है, और जो भी अगर आप कहेंगे वो आप लोगों को पूरा वहाँ से सपोर्ट मिलेगा साथ के साथ। और फीडबैक भी आपका लोगों का हम लोग लेना चाहेंगे, और साथ के साथ जो जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगी। और जो जो मैंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। तो बीच में क्या कहते हैं, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी आप दे, मैं बता दूंगा जो है मेरा कैप्टन मैकलेन, कैप्टन अंडरस्कोर मैकलेन। मैं आप थोड़ी थोड़ी देर बाद नाइट बॉट भी वहाँ पे देता रहता है, तो मैं आपको लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल के लिए भी डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, लाइव के अंदर भी आप लोग जाएं तो वहाँ पे भी मुझे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्लिक करके भी आप चाहें तो, और इसके अंदर अगर आप चाहते हैं मैं उसका लिंक दे दूँ, तो लिंक एक मिनट आपको दे देता हूँ। तो एक मिनट का टाइम मुझे दे दीजिए प्लीज़।
और वेरी वी गो नाउ। तो और यहाँ पे हमारा गेम शुरू हो चुका है और अब बस टीम देखनी बाकी रह गई कि कौन कौन सी टीमें हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के मुझे पायलट लग रहे हैं यहाँ पे पैनिक आइकॉन, आई थिंक ये अब फ्लाइट पाथ हमारा आज बनते हुए दिखाई देंगे, शायद हमें लेके जाएंगे साथ में। क्लाउन गेमिंग, हेलो ब्रदर, हेलो क्लाउन गेमिंग ब्रदर, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। और फ्लाइट पाथ देखते हैं, पिछली बार तो कल का जो फ्लाइट पाथ था वो हमारा ईस्टर्न के हिसाब शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर वेस्टर्न शिफ्ट हुआ। आई थिंक मे बी मुझे इस बार लगता है कि ये मिड ऑफ द जोन आना चाहिए, मे बी ये जहाँ पे इसको जो है ऑलरेडी दो क्या कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए रेंगल को आज। और तो ये देखना हमारा बाकी रहेगा। हंग्री किंग, हम कैसे ज्वाइन करें, आप कैसे ज्वाइन करें इसमें, बिल्कुल आप डीएम कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया है। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी है उसके अंदर डीएम पे नंबर है, आप उस पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम। अगर आपको डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो डिस्कॉर्ड सर्वर आपका ऊपर मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे फटाफट से यहाँ पे टीम्स आते हुए दिखाई देंगे। इस बार हमारा जो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है वो तो हमारा वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट हो चुका है थोड़ा सा, और वेस्टर्न की तरफ से शिफ्ट हो गया ये सीधा सीधा जार्की से होता हुआ जाएगा हमारा सुकोवा मिलिट्री बेस। तो यहाँ पे ये गेम प्ले थोड़ा सा और बेटर हमें देखने को मिलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है हम लोगों को यहाँ पे। और टीम्स यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी यहाँ पे उतरना शुरू हो सकती हैं, और पर्टिकुलर जहाँ पे एक अच्छा क्लस्टर बनता हुआ हमें दिखाई देगा वहाँ पे हम लोग ज़रूर जाना पसंद करेंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि क्लस्टर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे अर्ली एक्सेस फाइट से ज़्यादातर टीमें वहाँ पे बसती हैं। हम कैसे ज्वाइन करो रूम ब्रदर, ये पेड है, ये टूर्नामेंट चल रहा है तो इसमें तो आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे, आईडी पासवर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड टीम्स है क्योंकि ये ऑलरेडी टूर्नामेंट है और क्वालिफायर्स है। लेकिन बाकी जो आने वाले टूर्नामेंट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने बताया मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर भी आपको मिल जाएगा और साथ के साथ मिल जाएगा हमारे डिस्कॉर्ड पर, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ओके तो अभी इस समय हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी टीमें हमें दिखाई दे रही है। पहले की टीम हमें दिखाई दे रही है 6 नंबर की टीम, यहाँ पे 7-5 के यहाँ पे जोबर गोवा हमें दिखाई देने वाले हैं और साथ के साथ यहाँ पे दीप सरकार और पैनिक ज्यूस भी हमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन टीम है, इनके साथ मैं ऑलरेडी पहले कास्ट कर चुका हूँ, तो दिस बहुत ही इंक्रेडिबली परफॉर्म ये लोग टीम्स करती हैं। तो ऑलमोस्ट चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे गटकाई एरिया के पास, गटकाई एरिया के पास हमें दो टीमें दिखाई दे रही हैं, एक 22 नंबर की 94 GMYD और जिसमें है डाकू अर्श और कौरसा यहाँ पे जिनगर, और 14 पे यहाँ पे एटर्निटी नेक और साथ के साथ गक्सी और ज्यूस दिखाई देंगे, बिकम दिखाई देने वाले हैं। तो ये एरिया आप लोग इस समय देख सकते हैं, टीमें हमें यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नज़र आएंगी। तो देख सकते हैं गटका के एरिया के आसपास ये टीमें हमें नज़र आने वाली हैं, ठीक है। एक ये एरिया है, ये इससे सबको ही परिचित है, इसका मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पे कवर होकर मिलता है वो मिलता है आपको यहाँ पे टनल का एरिया, जो सीवेज टनल है, बहुत ही एक्सेस, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे फाइट्स होती हैं। और जोन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे चुका है, जहाँ से फ्लाइट पाथ हमें दिखाई दिया था वेस्टर्न की तरफ, लेकिन शिफ्टेड हो चुका है यहाँ पे थोड़ा सा ईस्टर्न की तरफ, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखेंगे बाकी टीमें यहाँ पे किस तरीके परफॉर्म करती हैं क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉट्स यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं मे बी। और यहाँ पे देखिए जेगर को यहाँ पे दिक्कत में डाला जा चुका है, जॉर्ज यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे निकाला, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले। और साथ के देखिए विक्रम को भी लॉक करके निकल देंगे, ज्यूस को यहाँ पे वाली कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे, दोनों ही 1 HP मैच कौन मारेगा, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले। और विक्रम ने यहाँ पे पूरा गेम प्ले यहाँ पे खत्म करा, ज्यूस ने यहाँ पे अपनी बिल्कुल 12 HP हेल्थ पे यहाँ पे सामने वाली प्लेयर को यहाँ पे पूरा का पूरा फिनिश। लेकिन गेम IT भी आगे जा रहे हैं, उनको कॉल्स तो प्रॉपरली यहाँ पे मिल गई होंगी, इसलिए यहाँ पे गेमिंग IT भी साथ के भी यहाँ पे आने के लिए तैयार हो चुके हैं क्योंकि अर्श को आप देख सकते हैं बहुत ही कम हेल्थ इनकी है। लेकिन गेम IT मुझे लग रहा है यहाँ से आगे जाके दो प्लेयर को यहाँ पे ऑलरेडी रिवाइव कर मिल चुका है उनको, और एक फर्स्ट एड के साथ देंगे। ओपी के देख सकते हो, ओपी शिवा इस समय हमारे साथ जो यहाँ पे गेम प्लान यहाँ पे बनता हुआ दिखाए थे वहाँ पे भी उनकी भी फाइट यहाँ पे एक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। SG के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे फाइटिंग एक्शन होता हुआ दिखाई दिया था, जो जिसमें एक नॉक करके निकालने में यहाँ पे थोड़े से कामयाब हुए, लेकिन दिक्कत में अब देखेंगे सामने वाली टीम को, एक तो उन्होंने फिनिशेस में डाल दिया गया था और एक प्लेयर को यहाँ पे सोहिंग को यहाँ पे नॉकआउट और फिनिश ऑफ किया जा चुका है। तो ऑलरेडी बचे हुए 3 प्लेयर यहाँ पे किस तरीके से मूव करेंगे ये देखना बस बाकी रहेगा। GL सक्सेस की टीम को भी एक बार देख लेंगे, GL सक्सेस की टीम भी ऑलरेडी यहां पे जोन होती हुई दिखाई दे चुकी है
और यहाँ पे आदि शॉर्ट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं 12 नंबर की टीम को, यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर की टीम के ऊपर पूरा का पूरा एग्रेशन यहाँ पे देने की कोशिश करते हुए, और राइट साइड पे दिक्कत दे सकते हैं कि अभी डेक्सो भी यहाँ पे पूरा का पूरा रोटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एरिया जो है आपका रिजॉक हिल का एरिया है, तो बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे मिलेगा। जंगली कुआला ओजी भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रैंकन दिखाई दे रहे हैं, साथ के साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आदित्य, और हमें दिखाई देने वाले हैं पोकीमो, और देख सकते हैं यहाँ पे एक्सो समीर ने यहाँ पे गुड्डी को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। तो फटाफट से चलते हैं PNYT के डाकू की टीम के पास ऑलमोस्ट, और देखेंगे अल्ट्रॉन की टीम के साथ किस तरीके से यहाँ पे गेम प्ले हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये एरिया थोड़ा सा यहाँ बेहतरीन गेम प्ले हमें दिख रहा है, NYT भी हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके साथ ही देखते हैं। ज्यूस के साथ दो प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश ऑफ किए जा चुके हैं, यहाँ पे आज खेलने हो गए जेंगर यहाँ पे फिनिश ऑफ किए गए हैं, लेकिन बिकम ऑफ ज्यूस यहाँ पे एक फिनिश ऑफ यहाँ पे खा चुके हैं। PTYT भी यहाँ पे आते हुए दिखाई सके हैं अपने लेम्बॉग ने यहाँ पे चमकाते हुए बहुत ही बेहतरीन, और अब देखेंगे राइट साइड में आते हुए हमें दिखाई देने वाले कौनसेगा की यहाँ पे हमें दिखाई दे गई, और पूरे रोटेशन लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आने वाले हैं ये। अब देखेंगे आदित्य को यहाँ पे नॉकआउट किया गया है, और बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले हमें यहाँ पे परफॉर्म करके इन्होंने निकाला है, तो जो ऑफ करने की कोशिश। जंगली कुआला भी नॉक पड़ा है, पूरा फिनिश ऑफ करा है जंगली कुआला को, और जल से का बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले, और साथ क्या देखेंगे मुझे लग रहा पोकीमो भी मुझे लग रहा पूरी की पूरी यहाँ पे एक रोटेशन देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, क्योंकि पूरा आप इस समय इनको देख सकते हैं तैयार बैठे हुए हैं, बिल्कुल नॉकआउट करके फिनिश आउट करने के लिए तैयार, लेकिन आदित्य धीरे 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 आते जा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लेकिन कहने की मुझे लग नहीं रहा मौका देंगे, और वही होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे GL के गजा नूबी अब बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करके इन्होंने दिखाया, और साथ के साथ यहाँ पे GL सेक्सी बाइक, और यहाँ पे शॉर्ट नंबर लेने की कोशिश करते थे फ्रैंकिस को, यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करी फ्रैंक्स, यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकते थे अगर पर्टिकुलर यहाँ पे परफेक्टली अगर यहाँ पे कनेक्ट होता तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। SGH के अल्ट्रॉन और एक्सो समीर भी हमें नजर आने वाले हैं, और यहाँ पे पति भवेश भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन कि एक प्लेयर यहाँ पे अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके साथ यहाँ पे गुड्डी को भी जो फिनिश ऑफ किया गया था उसी के साथ देखें एक्सो समीर के दो फिनिशेज यहाँ पे हमें होते हुए दिखाई दिए, तो ब्रिलियंटली गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, और देखेंगे एक प्लेयर जो ऑलमोस्ट यहाँ से निकलने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी भी रुकने की कोशिश यहाँ पे करते हुए निकलने का पूरा काम निकल रहा है। वेलकम रोनाल्डो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा यहाँ पे शो ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि पूरा ट्रैक करेंगे, उसके बाद ही शायद पिक ऑफ निकालने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आने वाले हैं SG अल्ट्रॉन को, और मे भी हो सकता है जो भी यहाँ पे पहले दिखाई दे, चाहे होता है एक्सो के समीर यहाँ पे दिखाई दे, शायद यहाँ पे अल्ट्रॉन दिखाई दे, वो थोड़ा सा देखने लायक गेमिंग यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अभी भी कोई भी प्लेयर वहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सो समीर और साथ के साथ अल्ट्रॉन पीछे की साइड पे बैठे हुए हैं, कोई जल्दबाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से जरा सा भी देखेगा तो पार्थिव भवेश उन्हें दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं। मोस्टली देखिए एक ही प्लेयर के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं पार्थिव भवेश, मुझे लग रहा है अभी राइट साइड से पूरा रोटेशन करते हुए नजर आने लगे, शॉर्ट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए पार्थिव भवेश को यहाँ पे दिक्कत का सामना होता हुआ दिखाई दिया, शॉर्ट यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे चुके थे, लेकिन बचने में कामयाब होते हुए नजर आए, बहुत ज़्यादा ही डैमेज दे दिया गया था इस प्लेयर को, और अभी भी बैंडेजेस लगाते हुए नजर आए, 3 बैंडेजेस बचे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से ये अच्छी एक इनकी मुझे लग रहा है डिसीज़न है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे और निकल जाना इन्हें चाहिए था, क्योंकि जोन के अंदर तो ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आगे जाके फार्म के एरिया के पास जाके ऑलरेडी अच्छा खासा गेम प्ले दिखा सकते थे। तो नए गेमिंग के देख सकते हैं 94 गेमिंग YT ऑलमोस्ट इस जगह पे आ चुके हैं, टेस्ला यहाँ पे एको आते हुए नजर आएंगे, टेस्ला के वैनम दिखाई दे रहे हैं और वोल्फ दिखाई दे रहे हैं, और देखते हैं ये यहाँ पे किस तरीके से गेम प्ले दिखाएंगे, तो एको के साथ भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे वक्त निकालने का टाइम तो यहाँ पे मिलने ही मिलने वाला है। दोबारा से चलते हैं मिडल ऑफ द जोन जहाँ पे हमें एक्सेस के यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, भवेश भी को भी देखेंगे, तो भवेश यहाँ पे पाती भवेश किस तरीके से यहाँ पे अब इस सिचुएशन से निपटेंगे, क्योंकि अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इनको निकलने दिया जाएगा, क्योंकि अल्ट्रॉन यहाँ से राइट पूरा लेफ्ट साइड से रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो शॉट लेने को एक्सम लेकिन पीछे से आ गए एक्सो समीर, लेकिन पीछे से आए चौंकाने वाला काम किया, और पाती भवेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और पीछे से यहाँ पे आके उनको यहाँ पे पनिश किया गया, और पूरे स्क्वाड इनकी यहाँ पे फिनिश ऑफ होती हुई हमें दिखाई देगी, और 25 नंबर की टीम के भी अभी एक प्लेयर बचे हुए, 11 नंबर की टीम भी यहाँ पे फिनिश ऑफ करके हो चुकी है, और हमारी एक टीम और यहाँ पे फिनिश ऑफ होती है जिसमें पार्थिव भवेश भी साथ में और OP भी बैठे हुए थे 9 नंबर की टीम, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में आई, तो लेकिन यहाँ से निकलने की कोशिश, क्योंकि मिड ऑफ द जोन में हमारा गिर चुका है ये प्रिय ड्रॉप, दो एक बार यहाँ पे ड्रॉप्स के अंदर देख लेते हैं, इसमें है O3 गिली सूट, थर्ड लेवल हेलमेट, थर्ड लेवल वेस्ट और थर्ड लेवल बैग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड,
ऑलमोस्ट स्कूल की तरफ से यहाँ पे आते हुए नजर आए थे, लेकिन अब देख सकते हैं आरएक्सएन के पोकेमोन और फ्रैंक्स यहाँ पे किस तरीके से गेम प्ले दिखाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट दो प्लेयर यहाँ पे आज स्पार्क के आदित थे और यहाँ पे जंगली क्वाला जो है वो फिनिश ऑफ किए जा चुके हैं और सेक्सी गॉड ओपी के द्वारा और यहाँ पे जीएल कजन नूब के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे ये टीम बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले करके 5 फिनिशेस के साथ खेल रहे हैं। इनक्रेडिबल स्टार्टिंग इतनी ज़ोरदार है तो आगे भी गेम बहुत ज़ोरदार ही होता हुआ मुझे नज़र आने वाला है। तो लेकिन देखते हैं यहाँ पे छोटी बबली की टीम किस तरीके से ये गेम प्ले यहाँ पे दिखाएगी, ये अब देखना बाकी रह गया। एनी बरुआ गेमिंग, हेलो ब्रदर, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, वेलकम टू द स्ट्रीम। तो अच्छा लग रहा है अगर थोड़ा सा भी ये गेम प्ले अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं टीम नंबर के जरिए यहाँ पे X7, यहाँ पे X7 की टीम किस तरह दिखाते, ओ यहाँ पे सारी सारी टीम यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुकी है, सिर्फ बचे हैं मैक्स और मैक्स को भी यहाँ पे दिक्कत में आते हैं। तो यहाँ पे हाइजो हमें दिखाई देने वाले हैं यूनिक के साथ, यहाँ पे मुझे लग रहा है शॉट यहाँ पे कनेक्ट नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, यूनिक भी यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे उनको, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे की साइड पर जाके पूरा पूरा गेम प्लान बदलने की कोशिश करते हुए पूरी की पूरी टीम का। बाकी की टीम ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखाई देने वाली है, पैनिक के ज्यूज हमें दिखाई देंगे और साथ क्या है यहाँ पे दीप सरकार और यहाँ पे शोभा गोबर और साथ के साथ यहाँ पे दिखाई देंगे आइकॉन और इस ब्रिस्केसर हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इस एरिया को यहाँ पे पूरा पूरा कवर अप करते हुए पोचंकी के एरिया को यहाँ पे गटका को छोड़ के पोचंकी के एरिया पे इन्होंने मूव ऑन करने की यहाँ पे सोच ली गई है, तो ये थोड़ा सा अच्छा एक मूवमेंट बनता है। बाकी चलते हैं छोटी बावली की टीम के पास, क्योंकि ऑलमोस्ट ये टीम खेलते हुए हमें 10 नंबर की टीम के पास दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट एक गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो बाकी के टीम्स को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से एरिया को कवर अप करते देखें। फ्रैंक्स और यहाँ पे पोकेमोन अलग बैठे हुए हैं, मेन बिल्डिंग में हमारे यहाँ पे 13 नंबर की टीम बैठी हुई है, तो उसके लिए टीम देखेंगे। पीछे की साइड पर हमारा प्रिय ड्रॉप जो है वो गिर चुका है, जो अभी मैं आपको दिखाया था वो जिसमें हमको मिली थी हमारी प्रिय ऑग। तो अब जो जो वहाँ पे चलाना पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिली सूट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको फ़ायदेमंद मिल सकता है और यहाँ पे उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक ऑफ फाइट्स के अंदर जहाँ पे ओपन सर्कल फाइट्स के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक कवर लेने के लिए। साथ के साथ अगर हम वहाँ पे लेट जाते हैं तो थोड़ा सा हमें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बाकी टीमें तो गेम प्लान यहाँ पे दिखाती ही दिखाती हैं। ऑलमोस्ट PJYT की टीम को यहाँ पे देख लेते हैं, डूम को यहाँ पे आगे साइड पे बढ़ते हुए वाइपर में दिखाई दे रहे हैं, कियो यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं और पैनिक की टीम को तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एरिया को कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। PJYT के किलो यहाँ पे एक फिनिश के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये अच्छा एक मोमेंट बनता है सामने वाली टीम के लिए। लेकिन बेसिकली अब देखना बस बाकी रह गया है कि इस एरिया को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि ये एरिया आप बहुत ही अच्छा एरिया है माना जाता है, थोड़ी रिच भी है, ओपन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे कवर आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और सेम जस्ट लाइक दैट यहाँ पे 6 नंबर की टीम भी सामने अच्छी खासी यहाँ पे एरिया को यहाँ पे कवर अप करके बैठी हुई है, तो बहुत ही अच्छा एक गेम प्लान यहाँ पे बन सकता है। तो सुपर को यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक इस एरिया के अंदर ही आप बाकी के प्लेयर जो यहाँ पे देख सकते हैं 23 नंबर की टीम के प्लेयर एक अच्छी रिच का फ़ायदा उठा के और सामने वाली टीम को दिक्कत में डाल जरूर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिच का एरिया है माना जाता है यहाँ से आप बहुत ही अच्छी एक फाइट ले सकते हैं, साथ के साथ सामने वाली टीम को चौंका सकते हैं, कवर अच्छा बना सकते हैं। आइकॉन की टीम पूरा का पूरा रोटेशन करने की कोशिश होती हुई यहाँ पर नज़र जरूर आ गई है। तो बाकी क्योंकि जोन जैसे कि मैंने बताया था ऑलमोस्ट यहाँ पे वेस्ट की तरफ से जोन शुरू हुआ था लेकिन शिफ्टेड हुआ ईस्ट की तरफ, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जोन मुझे लग रहा है शेल्टर के एरिया के आसपास बन जाना चाहिए। लास्ट के ज़्यादा Zephyrus Gaming, हेलो Zephyrus Gaming, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आती हुई टीम हमें दिखाई दे रही है, मिड ऑफ द जोन के अंदर जाने की कोशिश यहाँ पे करेंगी, क्योंकि शेल्टर के अंदर बहुत ही अच्छा एरिया माना जाता है, कवर तो है, फाल्ट बहुत ओपन मिलती है, साथ के टीम्स भी वहाँ पे बहुत ही अच्छी है, मैग्निफिसेंट मिलती है। जो ड्रॉप वहाँ पे गिरा था ओम है इसके अंदर, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी टीम इसके लिए फाइट मिल जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट देख सकते हैं बाकी एक टीम हमारे 6 नंबर की टीम यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, ओम जरूर उठाएगी और ऊपर से ही यहाँ पे हमारी एक दूसरी टीम भी आती हुई नज़र आने वाली है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखाई देने की कोशिश यहाँ पे करती हुई दिखाई देगी, जो है हमारे ब्रिस्केसर। तो ये अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अकेले खेलेंगे तो मुझे लग रहा है अकेले तो यहाँ पे किसी तरीके का यहाँ पे कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पीछे से आती हुई टीम मुझे लग रहा है ओम जो उठाएगा तो वो थोड़ा सा एडवांटेज में रह जाएगा, क्योंकि सर्कल स्नाइपिंग अगर कोई अच्छी करता है तो वो तो उसके लिए फिर एक तरीके से सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि आपके हाथ में एक पारस पत्थर लग गया, और ओम जैसी गन जिसकी हर एक गोली प्रेशियस होती है तो वो अगर ये कनेक्ट होता है तो सामने वाली टीम का एक तरीके से मनोबल वहां से तोड़ा जा सकता है,
क्योंकि अब आ चुके हैं यहाँ पे टीम्स, देख सकते हैं फार्म के अंदर खेलती हुई हमें जो टीम यहाँ पे 7 नंबर की दिखाई दे रही है, वहीं पे ऑलमोस्ट यहाँ पे दूसरी टीम भी हमें पैनिक की टीम आती हुई दिखाई दे चुकी है। फार्म के एरिया के अंदर कवर यहाँ पे बन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये जो एरिया शिफ्टेड होगा वो होगा शेल्टर की तरफ, और हो सकता है मेरा वीडियो देखा आज वाला, अरे गजब वीडियो था ब्रदर अबू भाई जी, मैंने कमेंट भी कराया, आप चेक करना, बहुत बेहतरीन है, और आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का अबू आई टी ब्रदर, एंड वेलकम टू द स्ट्रीम। तो यहाँ पे आप बस देखना बाकी रह गया कि टीम अपनी अपनी जगह पे, बहुत ही अर्ली एक्सेस फाइट में जो टीमें खत्म हुई उनको थोड़ा सा यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 टॉप 9 टीम्स जो यहाँ पे क्वालिफाई करके आएंगी वो बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले हम लोगों को यहाँ पे करके दिखाएंगी, और साथ के साथ वही टीमें आगे के राउंड के लिए सेमीफाइनल्स वगैरह के लिए क्वालिफाई होंगी, तो उसके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है यहाँ पे। साइको वाई टी पबजी वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, वेलकम टू द स्ट्रीम। तो टीम का बहुत ही अच्छा बेहतरीन रोटेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, और मिल्टा के बाद पहुँचते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मिल्टा में बैक टू बैक एक कैजुअलिटी होती हुई 1-4 के यहाँ पे विजर्ड ने ब्रिस्कस को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया है, जैसा कि आपने देखा था। अब दोबारा से चलते हैं यहाँ पे मिल्टा की तरफ, मिल्टा में आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम नंबर 20 यहाँ पे दिखाई दे रही है, और पीजीटी की टीम भी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, साइफो गेमिंग वाईडी की टीम, और अब देखेंगे ये अब कितना बेटर गेम प्ले यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी की टीमें भी जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 20 नंबर की टीम भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, साथ के साथ पीछे से भी और भी टीमें आने की यहाँ पे कोशिश करेंगी, और एक टीम और यहाँ पे रोटेट करती हुई नजर आ रही है 24 नंबर की टीम, तो ऑलमोस्ट जिसमें हमें खेलती हुई टीमें हमें दिखाई दे रहे हैं जो है यहाँ पे स्प्रे गॉड लोकी और संकी जोकर और यहाँ पे विकी ओपी भी हमें नजर आ रहे हैं। तो ये एरिया इन्होंने यहाँ पे शेल्टर के पास का एरिया गाड़ी पलटती हुई, लेकिन शेल्टर का एरिया कोई बात नहीं, यहाँ पे कवर अप जरूर हो जाएगा। बिग फैन सर, लव फ्रॉम आरएनजे, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऑलमोस्ट टीम यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है हमारा प्रिय ड्रॉप, जिसमें इसमें ग्रोजा यहाँ पे, और साथ के साथ यहाँ पे देखने मिलेगा गिली सूट मैडी पैक जिसका, और थर्ड लेवल का है हेलमेट, थर्ड लेवल वेस्ट और 4x हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो टीम यहाँ पे यार आ जानी चाहिए, इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया ड्रॉप्स यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक में ऑग है और एक में आपका ओम है और एक में है आपकी ग्रोजा, तो यार ये तो उठाना बनता है बहुत, क्यों नहीं उठा रहे, उठाओ इसको, इसका यूज़ करो, क्योंकि ड्रॉप के वेपन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड होते हैं, तो उसका अगर आप लोग ढंग से यूज़ करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बहुत बहुत अच्छा साबित हो जाएगा, साथ के साथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी साबित हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, उठाना चाहिए कंपनी का, उठाना चाहिए, जब ऑलरेडी आपको फ्लेयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं तो उनका यूज़ कीजिए, उनको उठाइए। देखिए रिस्क तो हर चीज़ गेम में, अगर रिस्क नहीं उठाया तो इस गेम का कोई मतलब नहीं बनता, गेम के लिए मजा कीजिए। यहाँ पे ओआर के यूनिक भी हमें दिखाई देने वाला है, 8 नंबर के आइजो जो दिक्कत में डाला था, लिंगम हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे शॉट कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे डीपी का, और ऑलमोस्ट रोमा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हंजो को यहाँ पे दिक्कत में डाल सकते थे लेकिन कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे नहीं होती हुई नजर आ रही, मुझे ब्लैकी भी नजर आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एरिया इन्होंने कवर अप कर रखा है, तो ये देखिए ये एक है मेंशन का एरिया जो एरिया दिखा रहे हो, और एक है थोड़ा सा इस साइड पे थोड़ा हल्का सा हाई रिच, तो ये एरिया को थोड़ा थोड़ा धीरे करके मुझे लग रहा है काफ़ी टीमें जो है ऑलमोस्ट जो है जोन के सेंटर में ना खेल के ऑलमोस्ट उसके बिल्कुल एच पे खेल रही है, तो नाइस शॉट नाइस कवर, ये चीज़ अच्छी मिलती हुई नजर आ सकती है। जस्ट मैंने बोला था लिटिल बिट, लेकिन दिस टाइम आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि जोन यहाँ पे जो शिफ्टेड होता हुआ दिखाई दिया, मे भी यहाँ पे गिरा यहाँ के मिल्टा, तो ये एरिया भी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा ही फैसिनेटिंग एरिया है, जिस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं सी शोर हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, एक टीम ऑलरेडी यहाँ पे खेलती हुई हमें नज़र आ रही है पैनिक की, दूसरी टीम हमारी मिल्टा के ओवर के पावर के पास है 20 नंबर की टीम, एक टीम हमें दिखाई दे रही है फार्म के एरिया के पास जो है PGYT, और एक टीम और हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है बैक टू बैक जो जोन के अंदर है इस समय, वो है 24 नंबर की टीम। तो ये बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होने वाला है, टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी आती हुई नजर आ चुकी है, GLCA की टीम भी अब ऑलरेडी यहाँ पे आगे की साइड पे कवर अप लेने की कोशिश यहाँ पे करेगी, और मुझे लग रहा है छोटी बॉली की टीम यहाँ पे आती हुई नजर आएगी, पीछे से यहाँ पे अल्ट्रॉन की XM और यहाँ पे अल्ट्रॉन आते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनका यहाँ पे क्लैश यहाँ पे होता हुआ मुझे नजर यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले मिलता है यार, सरकारी ड्रॉप आ रहा है उठाओ यार, सरकार कभी कभी तो कोई चीज़ देती है तो उसका फायदा उठाओ,
तो यहाँ पे आपका बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले हो सकता था, लेकिन टीम यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं GNYDB भी अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है धीरे धीरे आगे साइड पे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गाड़ी की आवाज़ सुन ली होगी, तो मे बी यहाँ पे रिस्क लेने की कोई मौका नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर वहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट अगर कनेक्ट हुई बुलेट सेकंड के ऊपर, अगर यहाँ पे फायरिंग शॉट्स यहाँ पे आने शुरू हो गए तो बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे, और शॉट जहाँ पे कनेक्ट होते के साथ ही सीधा आप फिनिश ऑफ ही होंगे, एलिमिनेट होंगे, सीधा बाहर चले जाएंगे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। मिलता है कि एरिया के बाद हमारा एक और सरकारी ड्रॉप आता हुआ गाइस, और इसके अंदर भी होम आ चुकी है विद सप्रेसर। यार गाइस ये तो लेना बनता है, ये तो आपको ज़रूर लेना चाहिए यार, मैं तो कहूँगा आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। इस तरीके से अगर स्नाइपिंग एक्शन अगर आप लोग दिखाओगे तो मतलब माइंड ब्लोइंग गेम इतना सुपर्ब हो जाएगा कि क्या ही बताऊं। और मिल्टा के पास ऑलरेडी सी शॉट पे खेलती हुई बाकी की टीमें भी हमें नज़र आ रही है, देखिए 9 नंबर की टीम लिंगम भी हमें देखने को मिल रही है, और आकी की टीमें भी हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे चुकी हैं जो प्रेजेंट के एरिया में भी दिखाई देने वाली हैं। तो प्लेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे खेलते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं, अंदर की साइड पे आते हुए जब गेमिंग वाइटी भी अंदर की साइड पे आते हुए नज़र जरूर आएंगे, और ONHR के विजर्ड और यहाँ पे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं, और मुझे लग रहा है गेमिंग वाइटी को यहाँ पे दिक्कत में डाला गया था, तो 91 की टीम यहाँ पे 94 गेमिंग वाइटी इनको दिक्कत में देखने के लिए, लेकिन विजर्ड यहाँ पे पूरे पूरे तैयार बैठे हुए हैं, 9 गेमिंग वाइटी भी पूरा पूरा तैयार बैठे स्मोक करके निकलने की कोशिश शायद यहाँ पे करने वाले, लेकिन मुझे लग रहा है जैसी स्मोक यहाँ पे होने की कोशिश यहाँ पे होती हुई नजर आएगी तो विजार्ड अपना पूरा का पूरा गेम प्लान यहाँ पे बदल के यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, और सामने वाली टीम को प्रॉपर को यहाँ पे बचाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, तो बेस मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे टीम यहाँ पे आगे साइड पर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, शॉट्स यहाँ पे लेने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है। अब देखेंगे कि कितना ज़्यादा बेटर यहाँ पे होने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, मुझे लग रहा है 91 गेमिंग वाइट यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, और शॉट यहाँ पे लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दिया 9 गेमिंग वाइट को, और इसी के साथ ओ बचने में कामयाब होते हुए शॉट यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फाइनल ले लिया आप देखने में, लेकिन दिखाई दिया सैवेज को, एक बार देख लेते हैं सैवेज ने यहाँ पे गेम प्ले यहाँ पे देखने की कोशिश यहाँ पे की गई, ऑलमोस्ट यहाँ पे सामने वाली टीम को दिक्कत में डाला जा सकता था, लेकिन देखेंगे सैवेज यहाँ पे किस तरीके से गेम प्ले यहाँ पे दिखाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट PDYT को यहाँ पे देख सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे KDK प्रभु ने यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकआउट यहाँ पे कर दिया है, और एंटनी नाइटी निक को यहाँ पे पूरा फिनिश ऑफ करके उन्होंने गेम प्ले यहाँ पे पूरा ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया सामने वाली टीम को, लेकिन एक प्लेयर को ऑलरेडी फिनिश ऑफ किया जा चुका है, तो ऑलमोस्ट के शेडो भी है, और एनजी की टीम भी हमें नज़र आ रही है, तो उसके बाद हम लोग फटाफट से यहाँ पे चलने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नज़र आ सकते हैं, तो शॉट्स यहाँ पे होते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा केडो के शेडो हमें दिखाते नजर आएंगे, उनके साथ भी यहाँ पे चेटिक्स यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं, प्रभु यहाँ पे अकेले बच्चों को दिखाई दे रहे हैं, सुमो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं नजी भी यहाँ पे वॉलिंग शॉट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे छोटी वॉली के साथ, और ग्रुम आ चुके हैं, और देखेंगे PDYT शैडो यहाँ पे किस तरीके बचाने में कामयाब होते हैं वो नजर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे एजिस प्लेयर ने इनको यहाँ पे नॉक करके निकाला था, तो मुझे लग रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा अग्रेशन करने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, रश यहाँ पे कर सकते हैं, और फुल ऑफ अग्रेशन यहाँ पे गेम प्ले हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो रोटेशन करते हुए अल्ट्रॉन हमें देखने को हुए जोन के अंदर आने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। अब ये देखना बाकी है कि ऑलमोस्ट मिल्टा के ताज आता हुआ अगर सी शोर के ऊपर जोन बना तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एरिया कवर अप होता हुआ नजर आएगा, शॉट यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, अल्ट्रॉन को यहाँ पे दिक्कत में डाल चुके थे, तो अल्ट्रॉन यहाँ पे बचने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सो को देख सकते हैं, ऑलमोस्ट टीम को यहाँ पे पूरा फिनिश ऑफ करते हुए अल्ट्रॉन को भी यहाँ पे सोवन यहाँ पे फिनिश ऑफ करके, और गेम प्ले अपने नाम पे करते हुए बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे दिखाया जाए, छोटी बाबली का गेम प्ले यहाँ पे होता हुआ बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे आगे साइड पर बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले, एक प्लेयर को और यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था, वैन यहाँ पे राइट साइड से रोटेशन करेंगे, पंक हमें दिखाई दे रहे हैं, एक को भी आगे इस तरह बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अंजो के साइड भी आगे साइड पर बढ़ते हुए नजर आने वाले, शाटी को यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका था, अब देखते हैं साहिल यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनताई यहाँ पे नॉकआउट भी पड़ चुके हैं, अब देखते हैं साहिल इस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से निपटेंगे, यहाँ पे मौली यहाँ पे की गई थी लेकिन बचने में कामयाब होते हुए, पीछे एक शॉट कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दे, पानी यहाँ पे शॉट यहाँ पे कनेक्ट होने की नहीं हो पा रहा क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे, लेकिन शॉट यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दिया, एक प्लेयर को नॉकआउट करते हुए लेकिन फाइनली अपने प्लेयर को यहाँ पे बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, साहिल को यहाँ पे दिक्कत का सामना होता हुआ, वैन ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई, स्प्रे गॉड
अपने आप को पूरा पूरा गेम प्ले यहाँ पे बचाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ग्रेम हमें दिखाई दे रहे हैं, साथ के चोड़ी बाबली का भी गेम यहाँ पे होता हुआ बहुत ज़्यादा बेहतरीन, और साथ के साथ टीम यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सेलेंट वर्क यहाँ पे खेलती हुई नजर जरूर आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे एक गेम प्ले यहाँ पे इधर की साइड में आते हुए टीमें हमें देखने को मिल जाएंगी, और साथ के साथ यहाँ पे ऑयल का गेम भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हम जो दिखाई दे रहे हैं मैक्स यहाँ पे चुपचाप लेटे हुए हैं, पंख हमें दिखाई देंगे वुल्फ की टीम, और ये गेम प्लान थोड़ा सा यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे सकता है टीम्स के लिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए हंसों को यहाँ पे दिक्कत में डाल दिया गया है, यूनिक इस समय नॉकआउट यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है हंसो ये क्या कहते हैं हाइजो हमें लग रहा है अपनी प्लेयर को यहाँ पे बचाने की कोशिश यहाँ पे जरूर करने वाले हैं, लेकिन इस समय बहुत दूर हैं हाइजो से। तो हाइजो अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो शायद इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ जाए, क्योंकि ऊपर ही साइड पे बैठे हुए हैं। फाइनली यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे होती हुई नजर जरूर आ रही है। तो यहाँ पे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे एको हमें दिखाई दे रहे हैं, हाइजो को यहाँ पे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, लेकिन हाइजो यहाँ पे बैठने की कोशिश यहाँ पे होते हुए दिखाई दे। हाइजो अपने आप को यहाँ पे बचाने में काफी होंगे, मुझे नहीं लग रहा है यूनिक को यहाँ पे कोशिश कर देंगे बचाने की, लेकिन ऊपर साइड पर जाके शायद बचा लें, शायद बचा लें, बिल्कुल ही बॉर्डरिंग एज पे यहाँ पे होते, लेकिन आ गए ब्रिलियंटली अपनी जान यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे होता हुआ इन्होंने यहाँ पे शो ऑफ कर दिया, और साथ के अपने प्लेयर को यहाँ पे बचाने में यहाँ पे कामयाब होते हुए दिखाई दे चुके हैं। ऑलमोस्ट शॉट यहाँ पे कनेक्ट करते हुए दिखाई दे चुके थे, फाइनली यहाँ पे शॉट यहाँ पे कनेक्ट करते हुए नजर जरूर आए, और देखेंगे सामने पैजी वाई टी को यहाँ पे नॉकआउट करके फिनिश ऑफ करने में कामयाब। मैक्सिको भी यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है, इन्होंने यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश यहाँ पे होते हुए नजर जरूर आएंगे। एक प्लेयर दोबारा यहाँ पे नॉकआउट करने की फिराक में आते हुए नजर आ गए, उनको रिवाइव देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे, शॉट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, लेकिन फाइनली हाइजो को यहाँ पे खत्म करने में कामयाब होती हुई टीम हमें इस समय नजर आ चुकी है, जो है यहाँ पे वाइजी की टीम। बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करके इन्होंने यहाँ पे दो फिनिशेस अपने नाम कर लिए हैं। लौकी की टीम के पास चलते हैं एक बार फटाफट, लौकी की टीम को यहाँ पे देखते हैं, लौकी को यहाँ पे नॉकआउट करके और पूरा का पूरा फिनिश ऑफ किया जा चुका है। तो ऑलमोस्ट देखेंगे यहाँ पे सन की जोकर स्पेक गॉड के साथ जीरो फिनिशेस के साथ खेलती हुई ये टीम, लेकिन वॉल्फ की टीम हमें साथ खेलती हुई हमें दिखाई दे रही है दो फिनिशेस के साथ, और यहाँ पे वन एट पी की टीम हमें खेलती हुई दिखाई दे रही है तीन फिनिशेस के साथ। जोन के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे खेलने की कोशिश यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, जोन शी शोर से छोर से छोड़ता हुआ मिल्टा पावर की तरह मिल्टा की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया, और बहुत ही एग्रेसिवली शिफ्टेड होता हुआ दिखाई हमें देता हुआ नजर आया। लेकिन अब ये देखना बस बाकी रह गया कि किस तरीके से और यहाँ पे होते हैं, क्योंकि जोन के अंदर ऑलमोस्ट 9 टीमें धीरे 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 एंटर करती हुई नजर आ रही हैं, और बाकी की टीमें यहाँ पे देख सकते हैं पैनिक की टीम भी यहाँ पे बाहर की साइड पे खेलते हुए जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेगी। और यहाँ पे पी जी वाई टी देखते वाइपर को यहाँ पे शॉट करने करते हुए दो प्लेयर एक प्लेयर अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आ सकते हैं, और जूस को यहाँ पे दिक्कत में डाल सकता है। सनकी जोकर ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करके निकाला, और देख सकते हैं सामने वाली टीम को दिक्कत में डाल चुके हैं, 15 नंबर की टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाला जा चुका है। शेडो इस समय अपने आप को यहाँ पे हील अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे चेरिक्स को बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर गया, पर्दा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सुमो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन पैनिक के सोबर इस समय रुकने का नाम नहीं लेने, आगे साइड पर देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आएंगे, क्योंकि एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करने का स्प्रे कॉर्ड को यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे बचाने की कोशिश यहाँ पे टीम जरूर करेंगे जरूर, क्योंकि ऑन द एज खेलते हुए नजर आ रहे हैं विकी, उन्हें ओपी के दायरे उनको रिवाइव देने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। शीशोर का एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कवर करता हुआ हमें दिखाई देने वाला है, तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे जरूर। फ्रैंक्स के पास चलते हैं फटाफट से, और देखेंगे यहाँ पे पोकेमो हमें नजर आने वाले हैं, तो फाइनली यहाँ पे पोकेमो दिखाई देने वाले हैं, और साथ के साथ दिखाई देंगे हमें फ्रैंक्स। तो फ्रैंक्स की भी टीम आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है, जो सामने की टीम पे 13 टीम नंबर की टीम को यहाँ पे नेजमी को यहाँ पे दिक्कत में डाला है, जिसको 8 फिनिश के साथ ये टीम खेल रही है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निभा रही है, लेकिन फाइनली अभी भी तीन प्लेयर इसके जिंदा हैं, और जिसमें सिर्फ देख सकते हैं क्रेजी नोब यहाँ पे बहुत ही दिक्कत में आ चुके हैं, नॉकआउट यहाँ पे किए जा चुके हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए अंदर बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे सेक्सी गोल्ड ओपी, और देखेंगे यहाँ पे पैनिक यहाँ पे अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई भी हलचल करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, और इस समय सामने वाली टीम का गेम प्ले थोड़ा सा बदलने की कोशिश यहाँ पे करेंगे जरूर। एक प्लेयर को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट करने में कामयाब होते हुए नजर जरूर आए, क्रेज को यहाँ पे दिक्कत में डाल के रिवाइव यहाँ पे किया गया था, वो भी रिवाइव यहाँ पे मिल चुका है ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं। सुमो को यहाँ पे रिवाइव करते हुए चेरिक्स चेरिक्स हमें दिखाई दिए, और बहुत ही शॉट यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दिया, बचने में कामयाब, लेकिन देख सकते हैं शॉट प्रॉपर्ली बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आते हुए MWL की बी के, और देखेंगे जरूर यहाँ पे विजार्ड हमें देखने में यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रैंक्स को एक बार दोबारा यहाँ पे चलते हैं, फ्रैंक्स और पोकेमो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से अच्छे से यहां पे काम ले रहे हैं, और जोन के लेकिन बाहर आ चुके हैं, तो अब इन्हें जोन के अंदर बढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा गाइस।
देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से टीम हमें परफॉर्म करके अब नज़र आने वाली हैं और बाकी की टीमें यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करेंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट इनको जोन के अंदर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 17 नंबर की टीम भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर सारी टीमें ऑलरेडी ऑन द एज बैठी हुई हैं, क्योंकि इधर से निकलेंगे तो दिक्कत में डाल सकते हैं। चंदकी को यहाँ पे दोबारा से नॉकआउट किया गया छोली बावली के द्वारा। छोली बावली बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हुए, अपनी यूएमपी का जादू यहाँ पे चलाने की कोशिश करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अब देखेंगे कि किस तरीके से गेम प्ले हमें यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि स्प्रे गॉड को जो ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट किया गया था उसको यहाँ पे रिवाइव शायद उनको यहाँ पे मिल जाना चाहिए मे बी। और देख सकते हैं फ्रैंक्स का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा एक्सलेंट होता हुआ दिखाई दिया, एक प्ले को यहाँ पे नॉकआउट करने के बाद फिनिश ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए शॉट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सामने वाले टीम के। देख सकते हैं 16 नंबर की टीम, लेकिन स्मोक के कारण थोड़ा सा उनको यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है। और आगे की साइड पे देख सकते हैं पॉकी मोबी आगे साइड पे दोनों बंदों ने यहाँ पे गिली सूट उठा रखा है। दैट वॉज इनक्रेडिबल राइट डिसीजन, ये डिसीजन बहुत ज्यादा एक्सीलेंट था। एक ने दोनों ने यहाँ पे गिली सूट उठा रखा है और साथ के साथ देख सकते हैं इनके पास तो स्कैरल और M16 दोनों ही यहाँ पे M4 की गल चला रहे हैं। ये भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जितनी ज्यादा अगर आप सेम अगर गन यहाँ पे रखते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर यहाँ पे हो सकता है। सामने वाली टीम का बहुत ज्यादा अग्रेशन, लेकिन जोन बनता हुआ नजर आया, फ्रैंक्स भी अंदर की तरफ जोन के अंदर घुसते हुए नजर आ चुके हैं। दोनों यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश, लेकिन ऊपर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे गेम प्ले एको का होता हुआ दो प्लेयर को यहाँ पे पूरा पूरा फिनिश ऑफ करके इन्होंने इस समय गेम प्ले को यहाँ पे कर दिया। 10 नंबर की टीम का पूरा पूरा गेम प्ले यहाँ पे हो चुका है पूरा मतलब पीजे वाईटी के यहाँ पे वाइपर को भी पूरा पूरा फिनिश करते हुए इस समय बहुत ही अच्छे एरिया को कवर अप करते हुए बैठी हुई 16 नंबर की टीम के यहाँ पे एको खेलते हुए बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले। वेनम भी वोट फॉर यहाँ पे खेलते हुए हमारे अपंक और ये शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए कुछ को यहाँ पे दिक्कत नहीं कोई यहाँ पे करते हुए दे जाएंगे शॉट यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखेंगे कॉजो नूम यहाँ पे किस तरीके से चैरिस्टिका यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नेट आता हुआ नजर आया, स्प्रे गॉड को यहाँ पे नॉकआउट करके बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करके इन्होंने निकाला। इस चैरिस दोबारा से यहाँ पे नेट कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आने वाले हैं, क्योंकि प्रणव को यहाँ पे दोबारा से नॉक कर रखे यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन उसको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था लेकिन बचने में कामयाब यहाँ पे हो जाएंगे। ब्लैक यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोमन यहाँ पे अकेले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी साइड पे जा चुके हैं तो अपनी टीम से हटके बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत में डाले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक समझदारी का काम तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि लिंगम आगे की साइड पे बैठे हुए हैं, ब्लैक यहाँ पे आगे की साइड पे आ चुके हैं और रोमन और लिंगम ये इस साइड पे आगे की साइड में बैठने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाएंगे। रोमन भी इस समय बैठे हुए, लेकिन नेट कनेक्ट होता हुआ यहाँ पे वुल्स का और बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे वुल्स हमें दिखाते हुए दिखाई दिए। पूरा पूरा गेम प्ले खत्म करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, ब्लैक यहाँ पे राइट साइड में आने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आने वाले, तो मुझे लग रहा है उसका इंतजार यहाँ पे करते हुए नजर आने वाले। एक प्ले को यहाँ पे पूरा पूरा फिनिश करने की कोशिश करते हुए, एक प्ले को यहाँ पे नॉकआउट करने के बाद बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वेनम को यहाँ पे रिवाइव करने को यहाँ पे मिल जाएगा और अपनी टीम को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता है। ब्लैकी को यहाँ पे जो नॉकआउट किया था उसको फिनिश ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दे, स्प्रे गॉड हमें देखने को यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे सामने वाली टीम को देखा जा सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आगे की साइड पे बैठे हुए हैं, लेकिन अपने राइट को जोन के अंदर बढ़ते हुए दिखाई जाएंगे, 16 नंबर की टीम को यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता है, लेकिन फाइनल यहाँ पे बचने में कामयाब होते हुए नजर आए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ग्राम किस तरीके से बचाने में कामयाब होंगे, शॉट यहाँ पे कनेक्ट करते हुए एको को यहाँ पे पूरा फिनिश ऑफ होता हुआ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एक बहुत ही ज्यादा एक जंग छुड़ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन हर टीम एक दूसरे को मानने पे यहाँ पे उतालो हो चुका है, क्योंकि जोन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे दो टीम हमें खेलती हुई नजर आ रही है, 13 नंबर की टीम हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे 3v3 यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे चुका है, लेकिन और मैं यहाँ पे देख सकते हैं ओपन है यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्मोक डाल के सामने वाली टीम को दिक्कत में डाल चुके हैं, लेकिन एक प्लेयर को यहाँ पे सिक्स कर यहाँ पे रिवाइव यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे देखेंगे टीमें यहाँ पे आगे साइड पे धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगी जरूर, लेकिन फाइनली अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ पे गेम प्ले को परफॉर्म करके इस गेम प्ले को यहाँ पे आगे साइड पे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे टीम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये देखना बात रह गया। एसबी के पंख यहाँ पे आ सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए यहाँ पे स्प्रे गॉड के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेट कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए देंगे। नेट अगर ये परफेक्टली यहाँ पे कनेक्ट होगा तो सामने वाली दिक्कत का सामना हो सकता है, लेकिन अंदर बैठे हुए हमें दिखाई देने वाले वुल्फ यहाँ पे आगे साइड पे आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे बाहर की साइड पे मॉली की मॉली यहाँ पे कनेक्ट करते हुए नजर आ चुकी है। नेट यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए पूरे पूरे तैयार यहाँ पे बैठे हुए, अगर ये नेट लेकिन बाहर की साइड पे जाएगा अगर दीवार के पास डालते हैं तो दिक्कत में डाल जा सकता है, लेकिन नेट इस समय ये जो नेट छिट चुका है वो ये बिल्कुल वॉर आता हुआ नेट यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ लेकिन दिखाई नहीं दिया, क्योंकि निकलने में कामयाब होते हुए नोवा यहाँ पे राइट साइड में आ चुके हैं। जोन यहाँ पे अपने अपने शिद्दत यहाँ पे तो वो दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड से बढ़ते हुए यहाँ पे क्रेजेन उबे हमें नजर आने वाले हैं, लेकिन फाइनली बचने में पंकी ने इस समय देखा जाए रिकॉर्ड का बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले, नोवा को यहाँ पे नॉक करके निकाला, पंकी का यहाँ पे गेम प्ले यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आया, लेकिन अब जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। फाइनली अपनी कोशिश करते हैं और इसी के साथ ब्रिलियंटली गेम प्ले बाय द टीम अमर 16 एक्सीलेंट हुआ यहाँ पे देखने में, और जीएल की टीम छोटी बावली की टीम हैज बीन मेड इट एंड टेकन द चिकन डिनर विथ 19 किल्स, इनक्रेडिबल।
तो ये चीज बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे होती हुई नजर आ चुकी है, क्योंकि ये चीज के लिए गेम प्ले और भी ज्यादा बेटर होता हुआ नजर आया है। लेकिन फाइनली अब देखेंगे एको यहाँ पे है, दूसरी टीम पे आप देख सकते हैं टेस्ला की टीम सेकंड नंबर पे है, और थर्ड पे यहाँ पे जूमो की टीम हमें नजर आ रही है, फोर्थ पे यहाँ पे टीएफ की टीम, फिफ्थ पे पैन है, सिक्स पे है यहाँ पे पी जी वाई डी, सेवन पे है यहाँ पे जंगली क्वास भाई की टीम, एट पे है यहाँ पे टीम टी एफ एक्ट की टीम सन की, नाइन पे है यहाँ पे आर बी डी, टेन पे है यहाँ पे यूनिक एस जोर, इलेवन पे है यहाँ पे टीम एक्स सेवन, ट्वेल्व पे यहाँ पे दिखाई देगी यहाँ पे सेवन, थर्टीन पे यहाँ पे दिखाने वी डी प्लस, फोर्टीन पे हमें देखने को मिल जाएगी एंटिटी, फिफ्टीन पे है यहाँ पे कौसा, फिफ्टीन और सिक्सटीन पे है यहाँ पे ब्रिस्कस, सेवनटीन पे यहाँ पे ओपी के, और एटीन पे है यहाँ पे स्टेन। ब्रिलियंट गेम प्ले, माइंड ब्लोइंग। 19 finishes with the chicken dinner, that was really really extraordinary. और यहां पे आप इस समय 34 पॉइंट के साथ खेलना है पहले ही मैच के अंदर, what a performance by this team, my god, brilliant gameplay, brilliant, wow, so exciting, so incredible. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला, और साथ के साथ मैं लेता हूँ यहाँ पे कैप्टन निकले एक छोटा सा ब्रेक, सो डोंट गो एनीवे, वी विल बी नो ओवर येट। तो अभी हमारे पास एक मैप और बचा हुआ है, उसके साथ अब मैं कैप्टन निकले आप लोगों के साथ बहुत ही मोटिवेट के साथ और अच्छा एक्शन यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो कुछ भी अगर थोड़ी बहुत गलती हुई तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे बता दिया कीजिए, तो मैं आप लोगों की बात यहाँ पर सुनूंगा। तो थैंक यू सो मच, तो मिलता हूँ छोटे से एक ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून विद अस, डोंट गो एनीवेयर, आई एम टेकिंग लेटिंग अ शॉर्ट ब्रेक, सो एंजॉय द म्यूजिक। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have a room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel old. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black girl for your love. Suck you, na 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 na, my center of gravity. Cause it's true, na na na, everything they say about me. All of you like a supernova, burn into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy. But ain't no other way, it's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks, licks her play clean. Don't wanna let out, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black girl for your love. It's true, na na na, everything they say about me. All of you like a supernova, burn into you like a shooting star. If you give me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black girl for your love. Never be enough. Never be enough. Cause I'm a black, I'm a black, I'm a
I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Fucking bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking front of this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it feels. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. An eye out for the fakes, for the snakes. Load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Blood on my hands, got slugs on my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Blood on my hands, got slugs on my gunners. These warriors ain't no gunners. Blood on my hands, got slugs on my gunners. Blood on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking front of this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it feels. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. Yeah.
Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't got the stomach. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight, like. Down and I'ma get it right. Get on sight, like. Been down and I'ma get it right. Get on sight, like. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bearing them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on fire. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life, every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chase my peers. And I found my spot. About time that I found myself, I've been out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. First off, you don't run nothing. All talk and your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. Down and I'ma get it right. Dead on sight, like. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like.
You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have a room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black girl for your love. So hello, I am back right now and welcome to the Miramar, the land of snappers and the deadly desert in BGMI, and all map. The brilliant gameplay has been executed in this map because क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें DMR का एक्शन और स्नाइपर का एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होता है. तो मैं हूँ यहाँ पे आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कास्टर कैप्टन मैकलेन. करता हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत इस मिरामार में. तो अभी आप लोगों ने देखा बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यल की टीम ने वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले वहाँ पे निकाला. कुछ टीमों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोन की वजह से सफ़र करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका गेम प्ले पूरा का पूरा जो है दिक्कत कर गया और बहुत ही ज़्यादा केओस क्रिएट हो गया जोन की वजह से. तो आप देखेंगे कौन सी टीम्स यहाँ पे आएंगी और कौन सी टीमें यहाँ पे इस मैप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगी, और काफ़ी कौन सी टीमें ऐसी होंगी जो जोन से मरेंगी, कुछ टीमें ऐसी होंगी जो अर्ली एक्सेस फाइट से मरेंगी, या फिर कोई टीम्स ऐसी होंगी जो एलिमिनेट होंगी बिल्कुल एंड के सर्कल में जाके. तो ये अब देखना इस मैप के अंदर 64 प्लेयर्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं और यहाँ पे बच चुके हैं पूरे 8. गेम हो सकता है किसी वक्त शुरू, तो बिल्कुल बना रही हमारे साथ. मुश्किल से 2 मिनट का और टाइम यहाँ पे मिलेगा और गेम प्ले यहाँ पे हो जाएगा शुरू.
और पिछला मैप अगर अच्छा लगा हो और कास्टिंग का लेवल अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। और गेम प्ले यहाँ पे हो चुका है शुरू, वेयर वी गो नाउ, लेट्स गो। तो आप देखेंगे कि इस बार के हमारे को पायलट यहाँ पे कौन से हैं और मेन पायलट हमारे यहाँ पे कौन से हैं इस टीम को, जो प्लेन को यहाँ पे उड़ा के फ्लाइट पाथ पे लेके जाने वाले हैं मीरामार में। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, आप जिस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे, तो हमें यहाँ पे देखने को जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं टेस्ला आरी के यू पंक। तो मे बी आई थिंक ये हमारे आज के पायलट हैं और यही हमें आज शायद मीरामार की तरफ लेके जाएंगे। तो पिछला मैच आपने देखा था कि वेस्टर्न की तरफ से जोन हमारा जो है वेस्टर्न साइड में स्टार्टिंग में जो फ्लाइट पाथ बनता हुआ नजर आया वो वेस्ट साइड में बना था, लेकिन जोन हमारा शिफ्टेड ईस्टर्न साइड में हुआ और सिंगल का जो एंड का सर्कल था वो बाल, इस बार का जो मैप था वो जो इरेंगल में हम लोगों ने देखा वो बहुत ही ज्यादा प्रिटेंडिंग था और देखना पड़ा कि जाके जो एंड का सर्कल बना वो बना मिल्टा में। तो जस्ट लाइक दैट आप लोगों ने देखा हल्का सा नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट होता हुआ, पहले था वेस्टर्न फ्लाइट पाथ बना, फिर ईस्ट, ईस्ट से आता हुआ फिर थोड़ा सा शिफ्टेड हुआ शेल्टर की तरफ, लेकिन इस बार का फ्लाइट पाथ यहाँ पे देख लेते हैं। ओ ओ ओ ये फ्लाइट पाथ हमारा आप देख सकते हैं थोड़ा सा नॉर्दर्न साउथ, तो ये दिक्कत यहाँ पे हो सकती है और अब बस देखना बाकी रह गया कि बाकी टीम्स हमें यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करके दिखाएंगी और साथ के साथ बाकी टीमों का किस तरीके से गेम प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये अब देखना बाकी रह गया, बाकी तो टीमें देखते हैं अर्ली एक्सेस फाइट के यहाँ पे कौन लेना पसंद करेगा। पिछली बार बहुत सी टीमें जो हमारे अर्ली एक्सेस फाइट में जो है दिक्कत में आई थी और साथ के साथ बहुत उनका वहाँ पे एलिमिनेशन होता हुआ नज़र आया, साथ के साथ कई टीमों ने वहाँ पे असैसिनेशन भी करा उस कई टीमों का, तो वो थोड़ा सा दिक्कत में आता हुआ दिखाई दिया। तो मे बी आई थिंक सो इन माय वे, इन माय प्रेडिक्शन मुझे लगता है जोन इस बार शिफ्टेड होता हुआ दिखाई देगा ऊपर की साइड पर, जिसमें हमारे पिकाडो को लेते हुए हमारा जो है मैं वाटर ट्रीटमेंट और अलहज़र और एम्पाला को लेता हुआ शायद शिफ्टेड हमारा थोड़ा सा जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न की साइड होता हुआ शिफ्ट शायद हो सकता है। तो मे भी देखते हैं हाउ मेरा कितना प्रेडिक्शन यहाँ पे होता है सच और कितना ज़्यादा होता है बेटर, ये अब देखना बाकी रह गया है। तो देखते हैं, काफ़ी टीमें यहाँ पे ऑलरेडी उतर चुकी हैं, केओस तो कहीं पे बनता हुआ मुझे नज़र हो नहीं रहा, लेकिन जहाँ पे क्लस्टर बनेगा तो वहाँ पे हम लोग ज़रूर जाना पसंद करेंगे और साथ के साथ देखेंगे कि कौन सी टीम ऑलमोस्ट जैसे आप देखते थे मिडल ऑफ द जोन में यहाँ पे 22 नंबर की टीम देखो कौसा की टीम हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे 94 के गेमिंग वाइटी को जो दिए थे तो वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, जिनको यहाँ पे आप मिल चुकी है। देखिए यहाँ पे एम यहाँ पे मिनी 14 और अर्श को भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे एके वगैरह मिल चुकी है और साथ में M249 मिल चुकी है, यूपंग यहाँ पे उतर चुके हैं साथ के साथ उन्हें दिखाई देंगे यहाँ पे गेंद। तो मेस इस एरिया को थोड़ा सा मैस करा जा सकता है क्योंकि बाकी टीमें तो ऑलमोस्ट अलग अलग एरिया में उतरती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए थोड़ा सा मेरा होता हुआ वाटर ट्रीटमेंट की तरफ इम्पाला को लेता हुआ दिखाई दिया, तो जोन इस बार मेरे प्रेडिक्शन पे चला था, दिस इज गुड। और यहाँ पे छोटा सा खलीफा को यहाँ पे नॉकआउट कर चुके हैं, यहाँ पे बॉली बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे दिखाते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं यहाँ पे स्टार्क, और देख सकते हैं FWD के टीम हमें दिखाई दे चुके थे जो सैवेज में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आगे साइड पे आएंगे, उनको शॉट यहाँ पे दिया गया था पूरा फिनिश करने में यहाँ पे कामयाब होते हुए हमें दिखाई दिया रंजीत, और देखेंगे साहिल को यहाँ पे कितना ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। खलीफा यहाँ पे फिनिश आउट हो चुके हैं, शॉर्ट्स यहाँ पे धीरे धीरे बाकी टीम भी हमें दिखाई देने वाली है। एक क्लस्टर हमारा थोड़ा सा इम्पाला की साइड पे बनता हुआ दिखाई दिया जिसमें लोग ही दिखाई दे रहे हैं, विकियो भी दिखाई देंगे, जोकर है साथ के साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्प्रे गॉड, और उनके साथ यहाँ पे 16 नंबर की टीम यहाँ पे टेस्ट की वैनम की टीम भी हमें दिखाई देने वाली है। और पिछली टीम पर एक बार देख लेते हैं कि जो टीम हमारे पिछले मैच की तो शॉर्ट यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई जरूर दिए थे, ऊपर से वैनर की टीम पे यहाँ पे दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ से आप देखते हैं सुबह यहाँ से निकलने में यहाँ पे कामयाब होते हुए मुझे नज़र आ चुके हैं। तो अब देखना बस बाकी रहेगा कि बाकी की एक टीम और जो हमें पिछले मैच में दिखाई दी थी वो किस तरीके से गेम प्ले यहाँ पे दिखाती है। तो जिसला के साथ आप आगे साइड पे बढ़ते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 24 नंबर की टीम भी आगे की साइड पर बैठी हुई है। रंजीत की टीम को एक बार देख लेते हैं ये टीम इस समय किस तरीके से गेम प्ले यहाँ पे दिखा रही है, तो ये थोड़ा सा बनता हुआ एक बहुत ही अच्छा गेम प्लान हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑलमोस्ट यू कैन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, साहिल हमें दिखाई देंगे, गोस दिखाई देंगे, रंजीत ने यहाँ पे दो फिनिशेस निकाल चुके हैं ऑलमोस्ट सारी टीम का, हाइजो यहाँ पे अकेले खेल रहे हैं शायद इनके टीममेट इस बार नहीं आते हुए मुझे दिखाई दिए। तो यहाँ पे सैवेज को और खलीफा को दो को फिनिश यहाँ पे किया जा चुका है और साथ के साथ यहाँ पे आप बचे हैं साहिल और गोस। देखेंगे रंजीत यहाँ पे किस तरीके का गेम प्ले दिखाते हैं, एक्सो रंजीत ने पिछले मैच में भी बहुत बेहतरीन गेम प्ले हमें देखने को यहाँ पे मिला, दो फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुके हैं, में बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले में दिखाने को मिला। तो यही हमारी टीम
बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रही थी, जो पिछले मैच में आप लोगों ने देखा और मैंने भी देखा, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। तो रफ की शैडो की टीम भी हमें आगे की साइड पे आते हुए नजर आएंगे, जो एफ पी पी में स्विच करते हुए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रिफ्लेक्स करते हुए हमें इस समय नज़र आते हुए नजर आएंगे। पी एम वाई टी की टीम भी हमें आगे की साइड पे आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बस देखना बाकी रह गया कि बाकी की टीम किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाएगी ज़रूर, तो ये बात देखना बाकी रह गया। आप देखेंगे 20 नंबर की टीम यहाँ पे कितना बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करती है, ये देखना। रंजीत लेकिन अभी भी हमें आगे साइड पर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे, मुझे लग रहा है ऊपर की साइड पर अगर आते हैं तो साहिल शायद उन्हें यहाँ पे पनिश करने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे की साइड पे घूमते हुए जो हमें नज़र आ रहे हैं वो एफ टी डब्ल्यू के स्टार यहाँ पे नीचे की साइड पे घूम रहे हैं, कोस्ट ऊपर की साइड पर बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे दिक्कत में डाल सकते हैं, लेकिन शॉट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे ज़रूर। साहिल पूरा टीपीपी यहाँ पे ले रहे हैं, कोई जल्दबाजी की कोई नौबत नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। गोस्ट हमें आगे इस साइड पे बढ़ चुके हैं, रंजीत यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं और साथ के हाइजो यहाँ पे अकेले यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये नहीं चाहेंगे कि स्टार्टिंग में ही जो अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी टीम को एक अच्छी परफॉर्मेंस में लाने के जिम्मेदार तो बनते हुए हैं। और साथ के साथ यहाँ पे अगर अर्ली एक्सेस फाइट के अंदर फंस गए तो डायरेक्ट यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे और यहाँ पे उनको यहाँ पे रिवाइव करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिंगल खेल रहे हैं। देखेंगे किस तरीके से बाकी टीम हमें नजर आती है। यहाँ पे ओलवा हमें दिखाई देने वाले, वोल्फ यहाँ पे एको और साथ क्या दिखाई देंगे वैनम, जो पिछले मैच के यहाँ पे सेकंड टीम थी, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करके इन्होंने यहाँ पे निकाल चुके थे ऑलमोस्ट। तो रियल की टीम को भी यहाँ पे वॉलवर्क देखेंगे, यहाँ पे एको के स्टार्क बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करके निकाल चुके हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे उनको नॉकआउट किया जा चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे गोल बचे हुए दिखाते हैं, साहिल को यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है, अब बनने में कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाएंगे। स्टार के दो प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे नॉक, रंजीत यहाँ पे नॉक पड़े हुए, एफ टी डब्ल्यू यहाँ पे आते हुए दिखाई देखा यहाँ पे कोई और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले पान एफटीडब्ल्यू का, और उन्होंने यहां पे पूरी टीम को यहां पे फिनिश ऑफ कर दिया गया है और अपनी टीम को बचाने में हो गए यहां पे कामयाब। पूरे पूरे चार फिनिशेस उन्होंने निकाल के अपने खाते में लिए, दैट्स रियली ग्रेट ब्रिलियंटली गेम प्ले बाय दिस प्लेयर। तो पी जी वाई टी का भी गेम प्ले यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया, पूरे चार फिनिशिंग के साथ इन्होंने भी दूसरी टीम को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं 14 नंबर की टीम यहाँ पे फिनिश ऑफ होती हुई नजर आई बाय द पी जी वाई टी, और यहाँ पे 20 नंबर की टीम यहाँ पे हमें फिनिश ऑफ होती हुई नजर आ चुकी है। आदित्य लोचन सकाइट स्लॉट 10, ओके स्लॉट 10 आपको दिखा देते हैं ब्रदर, डोंट वरी। तो ये रहा आपका स्लॉट 10, स्लॉट 10 अभी आगे की साइड पे आते हुए जजाज दे रही है, जो एरिया का इन्होंने कवर अप कर रखा है जो है हमारा ग्रेवयार्ड, और ग्रेवयार्ड के अंदर भी बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। आदित्य यहाँ पे आ चुके हैं, फ्रैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे दिखाई देंगे हमारे पोकेमॉन। पिछले मैच में भी हमारे पोकेमॉन फ्रैंक्स बहुत अच्छा गेम प्ले वहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे, और तीसरे वहाँ पे पांचवें छठे नंबर पे आई थिंक आते हुए दिखाई देते, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया लेकिन देखना बनता था। लेकिन अब देख लेते हैं टेस्ला की टीम के पास चलते हैं फटाफट से, टेस्ला की टीम के पास यहाँ पे फाइनल एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दोनों कर चुके हैं, एक प्लेयर को यहाँ पे ऑलरेडी रिवाइव किया जा रहा है, वॉल्फ ने रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एको को, वैनम यहाँ पे सामने वाली टीम को दिक्कत में देंगे क्योंकि ऑलरेडी स्पेकॉट को यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी नॉकआउट कर दिया है। वैनम यहाँ पे राइट साइड पर बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देंगे, और अपना यहाँ पे जो पिकअप है उसको पूरा पूरा फिनिश ऑफ करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करके लोग यहाँ पे राइट साइड से आ जरूर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस टीम को यहाँ पे जवाब देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, और यूएमपी चलाते हुए दिखा रहा है, यूएमपी इज रियली 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 ब्रेकआउट इस टाइम पे यहाँ पे है, और बहुत ही इस समय बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट वेपन्स में से गिना जा रहा है, क्योंकि शायद हल्का सा मुझे लग रहा है डैमेज यहाँ पे बढ़ा दिया गया। शॉट यहाँ पे दिखाई दिए थे, दिखाई दिए थे, कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, शॉट यहाँ पे कनेक्ट करते हुए दिखाई दिए, बहुत ही बेहतरीन जैसे मैंने बोला था, यूएमपी यहाँ पे कनेक्ट करते हुए हमें नजर आए और साथ क्या पूरा पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैक टू बैक यहाँ पे दिक्कत का सामना होता हुआ दिखाई दिया। सनकी जोकर इनके आसपास भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं और पूरा पूरा फिनिश ऑफ करने में हुए कामयाब, बच गए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वैनम, अब वैनम यहाँ पे अगर पीछे से यहाँ पे शॉट यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता तो वैनम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खामियाजा इस चीज़ का भुगतना पड़ सकता था। चलते हैं यहाँ पे गाड़ी जैसे के पास, यहाँ पे ऑलमोस्ट देख सकते हैं पंख ने यहाँ पे शायद दिक्कत में डाल दिया गया है, सामने वाली टीम की मुश्किलें बढ़ाते हुए यहाँ पे पंख, और बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करते हुए यहाँ पे पंख हमें नजर आ रहे हैं। सामने वाले की गाड़ी को यहाँ पे पूरा पूरा स्टॉप करने की कोशिश यहाँ पे की गई, ऑक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जल्द को यहाँ पे रिवाइव किया जा चुका है, आज यहाँ पे भी आगे साइड पे आते हुए मुझे लग रहा है पंख यहाँ पे राइट साइड में बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, और सामने वाली का पूरा इन्होंने गेम प्लान यहाँ पे बिगाड़ के रख दिया इस समय। और देख सकते हैं यहाँ पे प्रतीक भावेश हमें दिखाई देने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट प्रतीक भावेश के बाद जो टीम खेलते हुए बॉडेक्स ने उनको रिवाइव कर यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है, तो ऑलमोस्ट सीट यहाँ पे दिक्कत नहीं कोई करते हुए भावेश को यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है, रिवाइव गोडी भी हमें यहाँ पे नॉक हो चुके हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखें सीट यहाँ पे राइट साइड में बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई देने वाले, तो वो यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, एलेंट में भी देने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अल्ट्रॉन का बेहतरीन एक्शन हमें देखने को यहाँ पे मिला और सीट यहाँ पे अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे सीट यहाँ पे किस तरीके बनने में कोशिश
यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे पॉट का यहाँ पे दिक्कत नहीं खोज, यहाँ पे करते हुए पहले हम शॉर्ट करने की नहीं खोज करते, पॉट का मेरी बात नहीं खोजे, लेकिन पहले बहुत ही बेहतरीन एक्शन यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश करते, लेकिन अल्ट्रॉन इज देयर पीछे से, उन्होंने दिक्कत नहीं खोज यहाँ पे की थी, बच्चे में कामयाब नहीं हो पाया और ब्रिलियंटली गेम प्ले यहाँ पे कोशिश करते हुए दिखाए वी आई पी रीपर गेमिंग आइवरिया आइवरिया स्लॉट ब्रो प्लीज स्लॉट मुझे बता दीजिए, बेटर रहेगा मेरे लिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा आपने बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करती हुई दो टीमें यहाँ पे नजर आई और स्टार्टिंग में ही हमारे जो है एलिमिनेशन होते हुए भी नजर आए काफ़ी सारे टीमों के, जिसमें 20 नंबर की टीम, 14 नंबर की टीम और साथ के यहाँ पे 16 नंबर की टीम भी यहाँ पे फिनिश ऑफ होती हुई नजर आई। सन की जोकर यहाँ पे अभी भी अकेले बचे हुए नजर आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सेंट की वाइपर के पास यहाँ पे ऑलरेडी आ सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि सन की जोकर के पास ये जो बैठे हुए हैं इन्होंने शायद अपने प्लेयर को यहाँ बचा नहीं पाए, शायद दिक्कत कुछ हुई होगी जिसकी वजह से यहाँ पे अकेले बैठे हुए नजर हमें आ रहे हैं इस समय। तो देखना और ये बात की रह गया है कि बाकी टीमें इस समय मिड ऑफ द जोन के अंदर आएंगी और अपने आप को गेम प्ले बनाएंगी। तो माय वे आई थिंक सो कि ये जो जोन ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कट सकता है, तो ये मुझे लगता है पिकार्डो की तरफ आ सकता है जोन, आई थिंक मे बी इट विल बी शिफ्टेड टू द पिकार्डो आई थिंक सो लिटिल बिट टू द सदर्न साइड, क्योंकि सदर्न साइड में पड़ता है ये एरिया, मिड में कह सकते हैं लेकिन प्रॉपरली मिड में नहीं आता, तो इसलिए लिटिल बिट ऑफ मिड जोन कह सकते हैं। तो मिड जोन मुझे लग रहा है ये जो अब कला जोन जो बनेगा वो शायद बनेगा पिकार्डो के ऊपर। तो चलते हैं यहाँ पे जानकारी के बाद, बचे हुए पंख मुझे लग रहा है सामने वाली टीम से अकेले ही लड़ने में यहाँ पे बिजी हो चुके हैं, क्योंकि एचपी के यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा प्लेयर इनके जो है केन है वो ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है पंख यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत हिम्मत वाला काम कर रहे हैं, सामने वाली टीम को अकेले ही यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से इनको निकल जाना चाहिए डिस्टेंस, यहाँ पे इतना ज़्यादा अग्रेसिवली खेलना और वो भी सिंगल प्लेयर के लिए थोड़ा सा आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि बेसिकली इस एरिया को यहाँ पे कवर करने की कोशिश यहाँ पे हो जरूर सकती है, क्योंकि निकल जाएंगे सर्वाइवल पॉइंट ले सकते हैं, प्लेसमेंट पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे और तब बचने में कामयाब यहाँ पे हो सकते हैं। 23 टीम नंबर है कर तो मे भी यहाँ पे हो सकता है, वीडियो आईडी भी हमें दिखाई देने वाले हैं और हाइजो हमें धीरे 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 गेम को यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाएंगे ज़रूर मे भी। तो देख सकते हैं फटाफट आगे आगे धीरे 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 बढ़ते हुए की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं और संगी जोकर भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो आगे टीमें भी यहाँ पे फिनिश ऑफ हो सकती है, हाइजो भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किए जा चुके हैं, PGYT की टीम यहाँ पे अकेली खेलती हुई नजर आ रही है। तो ऑलमोस्ट मिड ऑफ द जोन के अंदर ये देख सकते हैं हमारा जो प्रिय ड्रॉप गिर चुका है ग्रेवयार्ड और पिकार्डो के बीच में, ग्रोजा दिस इज गुड, और यहाँ पे डेजर्ट गिली सूट हमें यहाँ पे देखने को मिलता हुआ और साथ के साथ यहाँ पे 4X है मिलिट्री थर्ड लेवल वेस्ट है, साथ के साथ यहाँ पे हमारा थर्ड लेवल हेलमेट, PGYT टीम हैकर है हमारे पास प्रूफ है भाई। निक प्लेज वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, दो बार हमको टारगेट करके मारा, तो ब्रदर आप एक काम करो जो टीम यहाँ पे ऑर्गेनाइजर से अपना आप POV रख लीजिए, उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए ऑर्गेनाइजर से और उनको आप अपना प्रूफ दे सकते हैं, तो इट माइट बी हेल्प फॉर यू, और तो ये हो सकता है वो आपकी हेल्प पूरी की पूरी करें, तो ठीक है आप उनसे ज़रूर बात कीजिएगा, थैंक यू। तो जैसा मैंने बोला था पिकार्डो की तरफ ये शिफ्टेड होता हुआ दिखाई दे चुका है और ऑलमोस्ट आप देखेंगे बाकी टीमें यहाँ हमारी 15 टीमें ऑलमोस्ट यहाँ पे खेलती हुई नजर आ रही है, तो मिड ऑफ द जोन के अंदर हमारी टीम ब्रिस्कस समय नजर आ रहे हैं और बाकी के दो प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे श्रेडर और साथ के अटेंडेंस भी हमें यहाँ पे आ चुके हैं। अब देख सकते हैं कि KXD के बड़ी बॉय और साथ कजूतो और साथ के अशोको और यहाँ पे कजुकी भी हमें नजर आ रहे हैं। ऑक्सी गेमिंग नंबर 23 कैसा एंट्री ले लिया नंबर 23 हैकर, तो ब्रदर वो चीज़ आप उनसे बात कर लिए, इस टूर्नामेंट में आपके हिसाब से जॉर्ड टीप कौन सा है, जज अबोर ओपी, ओ माय गॉड, अच्छा इस टूर्नामेंट में देखिए अभी मैंने तो सिर्फ दो ही टूर्नामेंट अभी कास्ट करे हैं फिलहाल, कल का करा था और आज का करा था, अभी फाइनली कल की टीम्स भी मुझे यार थोड़ा सा ध्यान नहीं है, कल का गेम प्ले बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे निकल के आए थे, जो टीम्स वहाँ पे खेलती हुई नजर आई थी बहुत ही परफेक्टली गेम प्ले निकाला, इस मैच में जो हमारी GL की टीम थी उसने 19 फिनिशेस यहाँ पे निकाले थे, तो दैट वाज रियली आल्सो वेरी गुड, बाकी की टीम्स मैंने कास्ट नहीं करे, तो मे बी एंड का जब मैं अगर सेमीफाइनल्स वगैरह में मुझे कास्ट करने का मौका मिलता है तो देन विल आई विल बी डिसाइडेड।
तो वहाँ पे मैं चॉन्टी शॉर्ट गन कर रही हूँ। तो चलिए बैक टू द वर्क, यहाँ पे आते हुए दिखाएंगे शॉर्ट्स, यहाँ पे दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हुई। यहाँ पे टीएमके के कजुमी हमें दिखाई देने वाले हैं। आईडी लेवल चेक करना, आईडी लेवल आप चेक करिए, मैं तो इस समय चेक कर नहीं पाऊंगा। ओके, और अरबिंदो नागा बिजी हैकर ब्रो, ठीक है मैंने बोला आपको, आप उसको ऑर्गेनाइजर्स को अपना पीओवी भेजिए, बिल्कुल हेल्प होगी ब्रदर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए मैं यहाँ पे कास्टिंग पे हूँ, मैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। तो प्लीज़ बी आर लेजिट के ऑर्गेनाइजर्स, प्लीज़ यहाँ पे आप उनकी बात सुनिए। यहाँ पे नंबर 23 को वो कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ भी है, और काफ़ी टीमों को यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं टारगेट करके मारा है, उनका प्रूफ है, तो इसलिए प्लीज़ आप इनकी बात सुनिए। वीआईपी रीपर गेमिंग बोल रहे हैं, और काफ़ी यहाँ पे और भी बोल रहे हैं, यहाँ पे निक प्लेस, तो उनको भी आप प्लीज़ 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 यहाँ पे बात उनकी सुनिए, और एक बार जो है नंबर 23 को प्लीज़ ट्रैक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रूफ मिलेगा तो दैट्स गुड, नहीं प्रूफ मिलता है तो बाकी आप लोगों की एक बार को देख लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए, और उन लोगों से प्लीज़ कंसिडर कर लीजिए इस बात को, और प्लीज़ उन लोगों से आप लोग कोऑर्डिनेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर, मैंने उन लोगों को बोल दिया है, अगर आप लोग वो लोग ये गेम प्ले देख रहे होंगे तो ज़रूर आपकी हेल्प होगी। थैंक यू। तो पीछे बैठी की तरफ ज्यादा बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टीमें यहाँ पे जोन के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो माइट बी, मुझे लगता है ये हमारा आ गया है यहाँ पे प्रिय ड्रॉप, और यहाँ पे प्रिय ड्रॉप की तरफ यहाँ पे हमारी तो ऑग हमें नजर आने वाली है, थर्ड लेवल वेस्ट थर्ड लेवल हेलमेट, और इट माइट बी मेरे हिसाब से ये जोन जो शिफ्टेड होता हुआ नजर आ सकता है वो जाएगा मेरे हिसाब से पावर ग्रिड जाना चाहिए। और सहीन विश्वास, मैंने ब्रदर वो बोल दिया गया है, मैंने ऑर्गेनाइजर्स को बोल दिया, आप लोग भी एक बार उनसे कांटेक्ट करके बात कर लीजिएगा, जरूर हेल्प होगी आपकी। थैंक यू। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे टेस्ला की टीम के पास, और टेस्ला की टीम के पास एक बार देख लेते हैं, यूएल के पास हमें टेस्ला में खेलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। तो टेस्ला की टीम के पास चलेंगे यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे टीम हमें नजर आने वाली, तो पंग के पास देख लेते हैं, पंग यहाँ हमें दिखाई देने वाले सामने वाली टीम के साथ फाइट लेते हुए। दो टीमें ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप आ चुकी हैं ऑलमोस्ट टेस्ला के पास। जंगली कोला की टीम हमें नजर आ रही है, 10 नंबर की टीम ऑलमोस्ट यहाँ पे, 5 नंबर की टीम पे यहाँ पे डाक वर्ष, और साथ के साथ यहाँ पे जेंगर और ओपी भी नजर आने वाले। तो यहाँ पे पंग भी राइट साइड से बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे, शॉट यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन बैक साइड से राजित का बहुत ही बेहतरीन स्प्रे, और सामने वाली टीम को यहां पे वॉच करके, और यही मैं बोलने वाला था कि अकेले बहुत ज्यादा गलत एरिया में फंस गए, दिक्कत में आ गए यहां पे, और अपने आप को नहीं बचा पाए यहां पे। पंक तो थोड़ा सा अग्रेसिव यहां पे खेलने की जरूरत नहीं थी, टीम को आप प्लेसमेंट पॉइंट की तरफ ला सकते थे और अच्छा एक गेम प्ले वहां पे दिखा सकते थे। तो मोस्ट माइट भी यहां पे गेम प्ले को मैं आपको हेल्प हो जाते, ब्रिस्कस यहां पे जो ऑलरेडी यहां पे शॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहां पे का M24 का शॉट यहां पे कनेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं, और देखेंगे कि किस तरीके से गेम यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। शॉट यहाँ पे करेक्ट करते हुए कजुकी हमें दिखाई देने वाले हैं, और देखते हैं कजुचो हमें और कजुकी किस तरीके से गेम प्ले देंगे। शॉट यहाँ पे कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, एटर्नल हमें दिखाई दे रहे हैं, बिस्कस हमें नजर आ रहे हैं, शेडर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और अब देखेंगे किस तरीके का गेम प्ले और यहाँ पे बेटर बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सारा गेम यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हैं कि रिजिस का गेम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये गेम प्ले और ज़्यादा बेटर करने के लिए हम सबकी गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सारा गेम ही मेरा मार के अंदर, और DMR और यहाँ पे स्नाइपर्स का एक्शन तो माइंड ब्लोइंग होता है। तो वो चीज़ प्ले गाइस आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो गेम प्ले को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कौन सा की टीम हमें दिखाई दे रही है, जंगलों कोला के पास ऑलरेडी जो इन्होंने अभी यहाँ पे पंक को यहाँ पे फिनिश ऑफ करा दिया, इतने एक फिनिश के साथ यहाँ पे खेलते हुए नजर हमें आ रहे हैं, और साथ के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फ्रैंक्स और यहाँ पे पोकेमो, और राइट साइड में बढ़ते हमारी एक टीम और यहाँ पे 22 नंबर की टीम खेलते हुए दिखाई दे रही है, कौरसा रंजन सौम्या PGYT23 हैकर है। रंजना सौम्या जी, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है ऑर्गेनाइजर्स के लिए, मैंने एक मैसेज डाल दिया है, आप भी उन लोगों से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, और उन लोगों आपके पास POV उन्हें भेज लीजिएगा, और आप चेक करा लीजिए, डोंट वरी, अच्छी बात है, आप उनको उनसे कांटेक्ट कीजिए, ऑर्गेनाइजर से BR Legit से आपका कांटेक्ट कीजिए, जैसा मैं ऑलरेडी बोलता आ रहा हूँ, तो ज़रूर हेल्प होगी आपकी, डोंट वरी। तो राइट हैंड साइड में आप लोग इस समय देख सकते हैं, बैक टू द गेम हम लोग यहाँ पे आते हुए नजर आते हैं, आज यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑक्सी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, तो मे भी यहाँ पे 10 नंबर की टीम को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता है, अगर ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश अगर करते हुए नजर आए हमारे फ्रैंक्स और क्वाला, तो उनको शायद यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता है। तो मे भी यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आ सकती है टीम्स, तो देख सकते हैं जंगली क्वाला यहाँ पे आगे साइड पे आ चुके हैं, टीम्स को अगर यहाँ पे वॉल्यूमली कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे तो मुझे लगता है शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट किए जा सकते हैं।
अभी कोई प्लेयर उन्हें नजर नहीं आ रहा है। तो जोन आप देख सकते हैं पिकाडो और यहाँ पे थोड़ा सा पावर ग्रिड के बीच में बनता हुआ दिखाई दिया और बहुत ही अच्छी एरिया को यहाँ पे कवर करता हुआ दिखाई दिया। तो बेसिकली सारी टीमें यहाँ पे बनने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। पैनिक की टीम के पास चलते हैं, ऑलरेडी टेस्ला की टीम के साथ यहाँ पे खेलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं वर्ब्स के साथ, और साथ यहाँ पे दीप सरकार भी हमें राइट साइड में देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। राइट साइड से बढ़ते हुए थोड़ा सा थोड़ा गेम प्ले यहाँ पे बदलने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। पहले बातें एक्शन यहाँ पे दिखाते हुए नेवी सरकार ने यहाँ पे वैनम को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। वैनम को यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। दीप सरकार के पास चलते हैं, नेट कनेक्ट करने की वजह पे करते हुए नजर आएंगे। एक नेट और यहाँ पे अगर कनेक्ट होगा तो दिक्कत में डाला जा सकता है टीम को। नेट ऊपर की सबसे आता हुआ दिखाई दिया लेकिन बहुत ज्यादा पीछे की साइड पे जा चुका है। एक नेट और कनेक्ट होता हुआ दिखाई दिया लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो चुकी है। नेट वॉर यहाँ पे छिड़ता हुआ नजर जरूर आता हुआ नजर आ रहा है। निक प्लेस, थैंक यू सो मच, यू वेलकम ब्रदर। बिल्कुल मैं भी यही चाहूंगा, कोई भी अनफेयर गेम अगर होगा तो हम लोग की सुनवाई जरूर होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपने बोला मैंने जरूर कर उनको थोड़ा सा बोला, आप भी बोलिएगा तो इट माइट बी हेल्प फॉर यू। तो कोई भी दिक्कत हो, अगर आप लोग कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए मैं जरूर आपको करने को तैयार हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए, एको को भी यहाँ पे बैक साइड जाते हुए दिखाई दे रहे, शॉर्ट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे, पैनिक यहाँ पे बैक साइड से आते हुए नजर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट पूरा सा पूरा घेर दो साइड से घेर लिया गया इस टीम को और बहुत ही अच्छा फ्लैंक यहाँ पे करने की कोशिश करते हुए नजर आए। अब मुझे लगता है यहाँ पे पीछे से लेकिन बहुत जल्दी में चला के यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत में डाल दिया। जूस के यहाँ पे दिक्कत देते हुए लगने को अलग हुआ, ओ बहुत बचने में कामयाब हुए। वोल को यहाँ पे दिक्कत में डाला जा चुका है, वैनम को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है। अगले टाइम पे जूस इस समय नॉकआउट पड़े हुए। राइट साइड में आते हुए सोगोबरा में दिखाई दे रहे, जूस को यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है। वालेरी यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई जरूर आने वाले क्योंकि ऑलमोस्ट वुल के बाद देखेंगे इस समय वाइट शॉट देने की कोशिश करते हुए दिखाई दे, सोगोबरा यहाँ पे नॉक करके निकाल चुका है। ऑलरेडी देखने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दो प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट किए जा चुके हैं। आईकॉन यहाँ पे अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे, मुझे लग रहा है इस समय जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर जरूर आने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वुल्फ और एको राइट साइड में देखेंगे किस तरीके बचाएंगे। पैनिक यहाँ पे राइट साइड से बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इस समय इस टीम से बढ़ने की कोशिश करते हुए जोन के अंदर जाना इन्होंने बेटर समझा होगा। तो मैच भी हो सकता है यहाँ से पहले फिनिश को पूरी टीम को यहाँ पे पूरा फिनिश करेंगे, उसके बाद आई थिंक जोन में जाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। जोन आ चुका है इस समय लेकिन 16 नंबर की टीम अभी भी जोन के अंदर फंसी चुकी है। अपने प्लेयर को ऑलरेडी रिवाइव कर चुके हैं, खो चुके हैं एक प्लेयर को भी और यहाँ पे बचे हैं हल्के हमारे जोकर। तो यहाँ से निकलने में कामयाब जो हो गए थे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आईकॉन मून टीमों को यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं होने देंगे। गाड़ी में बैठने की कोशिश यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, तो मे भी यहाँ पे शॉट कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे वुल्फ को दिक्कत में डाला गया, 50% हेल्थ यहाँ पे कनेक्ट करने में कामयाब होते हुए नजर आए। और देखेंगे यहाँ पे केडी गबॉट और रोनाल्डो को किस तरीके से यहाँ पे दिक्कत में डाल चुके हैं इस समय देखेंगे जरूर। रोनाल्डो यहाँ पे राइट साइड में होते हुए हमें नजर जरूर आ रहे हैं लेकिन अब देखेंगे कि चलते हैं फटाफट से रोनाल्डो की टीम के पास। पीजी वाइटी की टीम के पास चलते हैं, ऑलवेज एक बार देख लेते हैं डॉम की टीम को यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता है। ऑलमोस्ट 4 फिनिश के साथ खेलती हुई ये टीम हमें नजर आ रही है। आरबीआई की टीम को यहाँ पे नॉट करने के पूरी टीम को यहाँ पे फिनिश करने में कामयाब है। एचबीआई और एचबीआई की टीम के दो प्लेयर को यहाँ पे फ्लेक्स को यहाँ पे पूरा पूरा गेम प्ले खत्म करने में कामयाब है बेबी ग्रूट। और देखेंगे टीम इस समय 6 फिनिश के बाद खेल रही है कि कोई यहाँ पे नॉकआउट पड़े हुए हैं। जोन यहाँ पे बनता हुआ थोड़ा सा हिली एरिया के पास, ये जिस समय आप लोग देख सकते हैं एरिया थोड़ा सा यहाँ पे हिली होता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ पे ग्रोजा आ चुकी है ऑलमोस्ट। और इस एरिया के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे जोन धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 12 टीमें हमें खेलती हुई नजर आ रही हैं ऑलमोस्ट। और देखेंगे कि एवेक्स जी की टीम यहाँ पे ऑलरेडी हमें खेलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा पूरा पूरा मॉल यहाँ पे कनेक्ट करने की कर रहे हैं पूरी पूरी कोशिश। और रोमन यहाँ पे ऊपर की साइड पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो फाइनल यहाँ पे कनेक्ट। यस ब्रो आई हैव POV2। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज सेंड इट टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज ट्रैक हिम, थैंक यू सो मच। रोमन यहाँ पे नेट कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, नेट यहाँ पे परफेक्टली होता हुआ दिखाई दिया लेकिन एक नेट जो ऊपर की साइड पे गया था बचने में कामयाब होता हुआ परफेक्टली कुक्ड होता तो शायद यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता था। लेकिन हम यहाँ पे अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे, बढ़िया यहाँ पे रोमन को यहाँ पे नॉकआउट किया गया, बहुत ही दिक्कत में डाला था। एक नेट और कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए रोमन को यहाँ पे दिक्कत में डाला जा चुका है। यहाँ पे कसूटो भी राइट साइड में आ चुके हैं ऑनलोड्स और देख सकेंगे कसूबी भी राइट साइड में कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई देने वाले हैं लेकिन फाइनली इस समय रोमन यहाँ पे नॉक करें। लिंगन यहाँ पे देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे बाकी को यहाँ पे दिक्कत में डाला जा चुका है। ब्लैक यहाँ पे होता है बॉल यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश, बॉल यहाँ पे इस समय लग चुकी है। ब्लैक यहाँ पे नॉकआउट होता हुआ दिखाई दिए लेकिन फाइनली यहाँ पे देखें लिंगम की पूरी पूरी टीम को यहाँ पे फिनिश करने में काम आप। और कजुड़ी की टीम बहुत ही बेहतरीन खेलते हुए 4 फिनिश के साथ बेहतरीन गेम प्ले को परफॉर्म कर चुकी है। शेडर यहाँ पे चाह अपने कार 98 का जलवा दिखाने के लिए पूरे पूरे तैयार। पिकाड हुए बिड ऑफ द जोन के सेंटर में हमारा एक प्रिय ड्रॉप और आ चुका है सरकारी ड्रॉप। कम ऑन गाइस ड्रॉप ले लो अगर आप लोग स्टाइपर चाहते हो। ओ में है यहाँ पे आपकी द बीस्ट द डेडलीस्ट वेपन
इन ऑल द BGMIO एंड PGA सॉरी PUBG, तो यहाँ पे आ चुकी है आपकी। अब लो ओम उठाओ, ओम उठाने के लिए तो हर कोई होता है, तो यहाँ पे जाओ बीच में उठाओ। गेम प्ले देखो, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले होता हुआ। टेस्ला की टीम भी हमें देखने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। शॉट यहाँ पे कनेक्ट करते हुए दिखाई दिए, एको को यहाँ पे दिक्कत में लगाया चुका है। वोल्फ अकेले बचे हुए दिखाई नजर आएंगे, लेकिन अब देखेंगे बैक टू बैक यहाँ पे जंगली कोला साथ की टीम यहाँ पे किस तरीके से बिहेव यहाँ पे करती है। पहले यहाँ पे बचे हुए अकेले निकलने में कामयाब वहाँ से हो गए थे। अब देखेंगे ये टीम किस तरीके से पीछे वाले आने वाली टीम को वहां से रोक के रख सकती है। इट चेरिस अभी हमें यहाँ पे दिखाई देने वाला है, 15 नंबर की टीम। और यहाँ पे देखेंगे सामू यहाँ पे सामने वाली टीम का दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर इस समय जोन के बाहर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जोन जैसे जैसे धीरे धीरे दबना शुरू होगा वैसे वैसे टीम का यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। पैनिक को यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता है, जोन के बाहर खेलते हुए नजर आएंगे। शॉट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन पैनिक यहाँ से निकलने में काफी, लेकिन पीछे का टायर यहाँ पे बस्ट होता हुआ और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जूमो का स्प्रे आता हुआ और टीम को यहाँ पे खत्म करते हुए पैनिक यहाँ पे हमारे 10वें नंबर के पायदान पे हो चुके हैं पूरे पूरे फिनिश। शॉट यहाँ पे आते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन देखेंगे यहाँ पे रंजीत किस तरीके से यहाँ पे करते हुए दिखा देते हैं। M219 का स्प्रे, लेकिन बैक टू वर्क यहाँ पे दिखाई दिए। 8-40 के साथ ही रंजीत का गेम प्ले होता हुआ यहाँ पे 9 नंबर के पायदान पे पूरा पूरा फिनिश ऑफ। और देखेंगे यहाँ पे M24 का जलवा यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए यहाँ पे चेरिश, और चेरिश का गेम प्ले आप देखेंगे यहाँ पे कितना बेहतरीन यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। शॉट यहाँ पे कनेक्ट नहीं, गोजा पे दिखाई दे रहे हैं हमें शैडो, शैडो के बारे में M24 है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ओम की जरूरत सामने वाली टीम को यहाँ पे पड़ने वाली है। और देखेंगे कि कजूडी की टीम भी हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो ये टीम किस तरीके यहाँ पे परफॉर्म का यहाँ पे करती है। मैक्स की टीम के बाद चलते हैं इस समय, और ये गेम प्ले हमें दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार है और बहुत ही ज़्यादा गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए। स्पार्क के आदित्य भी हमें दिखने को मिलाएंगे, फ्रैंक्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, पोकेमो भी हमें दिखाने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो केडी का सोमो और साथ के साथ यहाँ पे प्रोना भी दिखाई देने वाले हैं। तो साथ के साथ इस चेरिस और साथ के साथ खेलते हुए यहाँ पे शैडो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्म करके हमें इस समय गेम प्ले को परफॉर्म करेंगे। वोल्वो हमें दिखाई देने वाला है, शैडो हमें दिखाई देने वाला है, टर्नस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन अब देखने वाली बात है कि बाकी की टीम हमें किस तरीके से परफॉर्म करेगी। और साथ के साथ जल्लू वाला इस समय तैयार बैठे हुए हैं, बीट के सेंटर में बैठे हुए हैं। दिस इज रियली गुड। शेडे के बाद चलते हैं फटाफट, कहा 98 का चार्ट आउट देने की कोशिश करते हैं। एक प्ले को यहाँ पे नॉक करके डेंजरस वॉल का पूरा पूरा फिनिश ऑफ करके बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब देखेंगे यहाँ पे डॉम यहाँ पे नेट कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पे आगे साइड पे आ चुके हैं, टीम के कसूडो की टीम को यहाँ पे दिक्कत में डाला जा चुका है। तो ऑलमोस्ट देखेंगे PGYT की टीम हमें दिखाई दे रही है जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली गेम प्ले हमें परफॉर्म करके निकाल रही है, लेकिन इस समय देखेंगे कसूडो यहाँ पे दिक्कत में डाला चुका है। नेट की बारिश होती हुई हमें सामने वाली टीम के ऊपर, और इस समय देखेंगे PGYT का किस तरीके से जवाब देगी हमारी यहाँ पे KDIT की टीम, जिसमें कसूटो खेल रहे हैं और साथ के आर की खेलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कसुकी भी यहाँ पे फिनिश ऑफ की जा चुके हैं, और तो इसलिए अपनी इस टीम को थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही अच्छा गेम प्ले कर बट यहाँ पे नॉकआउट कर यहाँ पे कर चुके हैं। PGYT का यहाँ पे गेम प्ले होता हुआ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। PWT इस समय देख सकते हैं PGYT की टीम यहाँ पे सामने वाली टीम के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ चुकी है। कंट्रीब्यूटी यहाँ पे देखा देखिए शॉट यहाँ पे कनेक्ट होता है सिंगल वन और शॉट, और यहाँ पे नॉकआउट की बिल्कुल भी उम्मीद यहाँ पे हो सकती थी। बैट बॉल है उसी समय देख सकते हैं सामने वाली टीम को यहाँ पे परफॉर्म करने का कोई भी मौका नहीं देते हुए जोन हाथों को दिखाई दिया। पहले वाली टीम को एक को यहाँ पे नॉकआउट करने में कामयाब होते हुए देख रहा है, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले में करते हुए यहाँ पे ब्लैड बॉय दिखाई दे रहे हैं। FTW भी इस समय बहुत ही लीड होता हुआ दे जाएंगे सामने यहाँ पे कनेक्ट करने, एक प्ले को यहाँ पे खत्म करने की कगार पे आ चुके हैं। और मैं यहाँ पे दिक्कत का सामने होता हुआ दिखाई दिया और कहाँ पे खत्म करने में कामयाब, ब्रिलियंट गेम प्ले पाया बैड बॉय, बहुत ही ज़्यादा शानदार गेम प्ले का प्रदर्शन। और साथ के साथ इस टीम को हमने बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले देखो, 8 फिनिशेस के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम प्ले। आप टीम जैसा मैंने बोला था ऑलमोस्ट गेम के अंदर खत्म होने की कगार पे आती हुई नजर जरूर आ रही है। अब देखेंगे बाकी की टीम भी हो चुकी है यहाँ पे प्रेस कर यहाँ पे नॉकआउट पड़े हुए हैं। अटन यहाँ पे राइट साइड में पड़ते हुए जोन के अंदर जाने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शटर यहाँ पे राइट साइड में आ चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इस टीम को थोड़ा सा दिक्कत डाला जा सकता है, क्योंकि पीछे जाकर कंट्रोल की टीम भी आ सकती है। 6 टीमें ऑलरेडी हमें खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मिडल ऑफ द जोन हमें खेलती हुई जो आ रही है वो है 10 नंबर की टीम। और इस समय हम देखेंगे अटेंडेंस भी अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगा जोन के अंदर से जोन के अंदर जाना इनका जरूरी है, क्योंकि जोन अब जब आएगा तो इट विल बी रियली रियली वेरी डेडली राइट नाउ। और इस समय बहुत दिक्कत में आ सकती है टीम्स, और देखेंगे यहां पे आगे की टीम में बैठे टीम नंबर की 7 की टीम हमें देख सकते हैं 22 नंबर की टीम के साथ फाइनली एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट चेरिश को यहां पे दिक्कत में डाला जा सकता है, इट चेरिश लेकिन आगे की साइड पे दिक्कत में डालते हैं, सामने वाली टीम को दिक्कत में डाल चुके हैं। और मैं यहां पे पॉकेट बॉक्स को नॉकआउट करने में कामयाब, तो M24 का चाटा इन्होंने यहां पे कनेक्ट करा और सामने वाली टीम का पूरा पूरा गेम प्ले खत्म करने की कोशिश। लेकिन पोकेमो को इस समय डरने की बात नहीं, रिवाइव उनको यहां पे मिल चुका है, तो यहां पे कोई डरने की बात नहीं है। स्पार्क आदित्य भी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, और देखेंगे किस तरीके से गेम प्ले को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। जंगली कोआला का गेम प्ले यहाँ पे बहुत ज्यादा डेडली होता हुआ सामने वाली टीम को ऑलरेडी नॉक करने में निकालने में
कामयाब हुए। अब एटर्नल को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखेंगे कौरता के जूनियर यहाँ पे डेट कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, लेकिन डेट यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे बारिश तो होती हुई नजर जरूर आ रही है यहाँ पे बुलेट्स की, लेकिन अब देखेंगे कितने ज़्यादा बैटिंग के प्लेयर में दिखाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे तीन प्लेयर के साथ खेलते हुए हमें दिखाई दे रही है 5 नंबर की टीम, और यहाँ पे एटर्नल का यहाँ पे जंगली कुआ लगा, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे अग्रेसर होता हुआ दिखाई दिया। सामने वाले सोबू को यहाँ पे दिक्कत में डाल दिया गया, और देखेंगे एक प्लेयर यहाँ पे निकलने में काफी, उनको भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है। एक प्लेयर को यहाँ पे आदित्य ने पूरा बड़ा फिनिश ऑफ करके शोमू को यहाँ पे गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे की जा चुकी है, लेकिन देखेंगे। और टीम को यहाँ पे जवाब देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आए, सेवन इलेवन की टीम का यहाँ पे दिक्कत में आता हुआ, और रेस को यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता है। तीन टीमें खेलते हुए नजर आ रही है, 4v2v3 की यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी। रेस यहाँ पे अंदर आ चुका है, मैक्स यहाँ पे अंदर आ चुका है, जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश, लेकिन साथ के साथ उसके एच पे खेलने की कोशिश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखेंगे कि ये टीम किस तरीके से होगी। डेट टू डेट की बारिश यहाँ पे होती हुई नजर आई, एक नॉकआउट किया जा चुका है, उसको रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई भाई की टीम को यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये देखना बस बाकी रह गया है, लेकिन रेज हमें दिखाई देने वाले। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे गेम प्ले किस तरीके से होगा, नेट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश अभी भी आती है, रिवाइव करने क्वाली यहाँ पे देख सकते हैं, रिवाइव होने यहाँ पे मिल चुका है। फ्लैक्स यहाँ पे राइट साइड में बनने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। 1v2 की सिचुएशन यहाँ पे होती हुई दिखाई दे, 4v3 की सिचुएशन में यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे होते हुए दिखा रहे हैं। मैक्स यहाँ पे आगे एक साइड में जा चुके हैं, और मैं यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश, फ्लैक्स यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट कर चुके हैं, और मैं यहाँ पे फिनिश करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोके किस तरीके की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। दो प्लेयर यहाँ पे खेलते हुए यहाँ पे सामने वाली टीम में भारी बढ़ चुके हैं इस समय, लेकिन देखेंगे रेस इस समय किस तरीके का गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। आदित्य को यहाँ पे दिक्कत करते हैं, लेकिन 10 नंबर की टीम है टेकन डाउन ऑल द टीम्स एंड टेकन डाउन द किंग ऑफ द रंगल टाइटल। और यहाँ पे इस समय बहुत ही बेहतरीन प्ले 11 फिनिश के साथ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। माई गॉड द गेम इज रियली गोइंग टू बी इनसेन, बहुत बिग दिक्कत था, दैट वॉज रियली फैंटेस्टिक गेम प्ले बाय द ऑल द टीम्स। और यहाँ पे देख सकते हैं इस समय हमारे 6 फिनिशिंग के साथ खेलते हुए क्वाला, और यहाँ पे आरडीओ की टीम आ चुका है, यहाँ पे 3 रिवाइव और 1 असिस्टेंट, और साथ ही आदित्य यहाँ पे 4 फिनिशिंग के साथ। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ब्रदर, आउटस्टैंडिंग। तो ये देखा आपने, आज था हमारा ग्रुप ई का, और जो था बी आर लेचिट का यहाँ पे क्वालिफाइनर्स, तो ब्रिलियंटली गेम प्ले परफॉर्म बाय दिस ऑल द प्लेयर्स। तो यहाँ पे अब मैं कैप्टन मैक्लेन आपसे लेता हूँ अलविदा, और हो सकेगा तो आपसे सेमीफाइनल में मिलूंगा। तो यहाँ से लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, और शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।